संसारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगो कवितर्मणि। बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। समझे बागवान बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान बागवान रब है बागवान बागवान रब है बागवान बागवान रब है बागवान बागवान रब है जग मुसाफिर भोर भई डर डी डेरा डेरे डेरे डी। चलो 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 भैया, मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। राम राम भैया, बाकी साथी कहाँ रह गए? अरे सब लंबी तान के सो रहे हैं। उठे जाग मुसाफिर। अरे कब से गुहारत है, तनिक धीरे नहीं चल सकते का? आ गए राम अवतार भैया, आओ आओ। अरे तुम तो कह रहे कि सुबह सुबह तुमका जागने की आदत नहीं है। हाँ हाँ कह रहे पर का करी, मुंह अंधेर ही तुम इतने जोर का ताल पट्टा मारत हो कि सारा मोहल्ला जाग जाई, फिर हम तो तुम्हारे पिछवाड़े ही रहते ना। हाँ पिछवाड़े तो रहत हो, अब तुम्हारी तो हमका सामने वाला कोठी जौन है वो किराए पे दिए हो, अब तुम थारे मकान मालिक जब चाहे निकाल दो, कहो तो कोठी खाली कर दे। देखो सुबह सुबह हमरा मूड खराब नहीं करो। अरे पहले तो अपना प्रेम में फंसाए के हमरे भैया बन बैठे, अब हमारे मुसनवा से ही खेला तो बड़े आए कोठी खाली करे वाले। छोड़ दे छोड़ दे, देख लेना एक दिन तुम्हार कोठी हम छोड़ दे। देख ले देख ले। शास्त्रीय काल बचाओ, शास्त्रीय काल। शास्त्रीय काल बेदी साहब। अब ये झगड़े का बहाना बदल डालो, 25 साल से सुनते सुनते तो मैं बोर हो गया हूँ। क्यों भाई किट्टू, मैं कल झूठ बोलिया? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये रोज रोज इस गधे को साथ लाने की क्या जरूरत है? ओए क्या बात करते हो राज भाई, किट्टू गधा नहीं कुत्ता है, कुत्ता। हाँ वो तो ठीक है बेदी साहब, लेकिन ये सवाल मैं आपके कुत्ते से कर रहा था। बाजी मार गया। ओ, कोई बात नहीं राम अवतार, ये सारा दोस्त है, कल देखना। चलो भाई चलो। तुम लोग यहां पर बैठो चुपचाप से। ए
जग गए मोहन प्यारे। क्या करूं? जिस वक्त आप सैर पर जाते हैं जी, उसी वक्त मुझे ऐसी गहरी नींद आती है कि आंखें नहीं खुलती। ओह ओ, पूजा जी इधर आइए इधर आइए इधर आइए। आप जानते हैं कि हम सैर पे जाते क्यों हैं? सेहत बनाने? बिल्कुल नहीं, हम सैर पे इसलिए जाते हैं ताकि हम जब वहाँ से वापस लौटें तो इसी तरह दरवाजे पर आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सके। आइए बैठिए। तब तो आप फिक्र मत कीजिए, ये सिलसिला जारी रहेगा। रियली? चलिए इसी बात पर मुंह मीठा कर लेते हैं। मैंने मुंह नहीं धोया अभी तक। अम्मा कमाल करती हैं आप भी, शेरों ने भी कभी मुंह धोया? ये लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अरे खाइए गंगूराम की बहुत ही बढ़िया लजीज जलेबी। ये लीजिए, टूट भी गई। तुम नहीं सुधरोगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। सुनिए ये लीजिए। क्या करूँ इसका? बांधिए। बांधना आता है हमें? इतने बड़े हो गए सीखते क्यों नहीं? अरे मैडम सीख लेंगे तो फिर इसका क्या होगा? तुम नहीं सुधरोगे। क्यों सुधरे भाई हम? सुनिए। हाँ? सामने रख देती हूँ, फिर भी रोज रोज भूल जाते हो। अरे भूले नहीं है, जानबूझकर छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी के हाथों अगर लक्ष्मी मिले तो बरकत होती है। अब मैं जाऊँ? वो जैसे लखनऊ में कहते हैं ना कि हाजिर होते हैं जनाब। जल्दी आना। अरे मैडम आप चाहें तो आज मैं यहीं रुक जाता हूँ। तुम नहीं सुधरोगे। मॉर्निंग। नमस्कार राज साहब। कैसा हो राम खिलान भैया? ठीक हूँ। पोते का बुखार उतरा कि नहीं? अब उतर गया है। चलो अच्छा अच्छा। इन्हें तो बस बातों से खुश करना आता है। चाहते तो ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते थे क्या? पर नहीं, अपने काम के आगे इन्हें कुछ याद रहे तो ना। मॉर्निंग। नमस्ते। क्या बात है भाई साहब, कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। कैन आई हेल्प? क्या बताऊं आपको, यहाँ से पैसा निकालकर फौरन अस्पताल जाना है। बहू को लेबर रूम में भर्ती करा के आया हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, हमारे यहाँ एटीएम मशीन है, वहाँ जाइए तुरंत पैसे मिल जाएंगे आपको। अच्छा? हाँ। तो माई लविंग हस्बैंड, ये मैं लविंग इविंग किसके लिए लिख रही हूँ? माना कि सुबह भूल गए, ऑफिस जाकर तो एक फोन कर सकते थे। शाम को आने दो, मैं बात तक नहीं करूंगी। हमारा जो नैनीताल का ब्रांच है वो थरानी साहब के अकाउंट के अगेंस्ट रिक्वायर्ड अमाउंट का पे ऑर्डर बनाकर स्कूल भेज देगा बच्चे को। प्रॉब्लम सॉल्व। भाई वाह मल्होत्रा साहब, भाई होता तो सबके पास है मगर दिमाग वही जो वक्त पे काम आ जाए। मेरी राय मानिए, आपको अपना खुद का बिजनेस खोल लेना चाहिए। राय बुरी नहीं है सर, लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि हमें अपने ऊपर बॉसेस की आदत पड़ गई है। यहां आप अगर मैं भी। यस 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 यस, गुड डॉग गुड डॉग। तुम ना एकदम जादूगरनी हो, हमारे घंटी बजाने के पहले ही जान लेती हो कि हम हैं। आप घंटी बजाए ना बजाए, आपके कदमों की आहट से मेरे दिल की घंटी पहले से बज जाती है। रियली? तो चलिए इसी बात पर ये करो। नहीं आज कुछ भी नहीं। अरे पर क्यों? आज हम आपसे नाराज हैं। अच्छा तो जाइए, हम भी आपसे नाराज हैं। आप क्यों? पहले आप बताइए। सुबह से शाम हो गई जी, अभी तक विश भी नहीं किया। आपने हमें विश किया? आज का दिन आप भूली तो कैसे भूली? मैं भूली? जी हाँ। आइए। मैं भूल गई। हाँ, ये देखिए क्या है ये, सारा दिन घर सजाती रही, केक बनाती रही और आपको। अच्छा तो आप भूले नहीं। सांसें लेना भी कोई भूल सकता है? तुम्हारे बगैर तो पूजा जी हम सिर्फ जी रहे थे। दिल ने धड़कना तो उस दिन शुरू किया जिस दिन आप हमें मिली, और आप हमें मिली आज, और आज का दिन हमेशा आज रहेगा। हमारी शादी की 40वीं सालगिरह मुबारक हो। 40वीं? जी। अम्मा कमाल करती हो, अभी तक तो हमने आपको ठीक से देखा ही नहीं। देखें भाई जरा आपको। वाह क्या बात है, कितने खूबसूरत लग रही हैं आप। एक काम करते हैं पूजा जी, आज क्यों ना हम और आप एक कैंडल लाइट डिनर पर चलते हैं।
कुछ शैंपेन होगी, कुछ गुलाब के फूल होंगे, और बस हम और आप होंगे। और हम? अरे अरे, तुम सब यहाँ कैसे आ गए? अरे तो क्या करते, आप तो भूल जाते हैं कि आपके चार बेटे हैं, तीन बहुएं हैं, एक पोता है, एक पोती है। आप तो निकल पड़े मिस्टर एंड मिसेस राज मल्होत्रा कैंडल लाइट डिनर पर। अरे यार, वहीं खड़े खड़े बड़बड़ करते रहोगे, इधर आप। कब आए तुम लोग, पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे इधर आप। डैड, आपकी 40th एनिवर्सरी हो और हम ना है। नमस्ते पापा। थैंक यू बेटे। हेलो मॉम, और कौन रह गया? करण, चलो 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 चलो। सबसे छोटा हूँ इसलिए अपने नंबर का वेट कर रहा हूँ। बाप चाचू रॉन्ग, सबसे छोटा तो मैं हूँ। आजा मेरी गोद में। ये ये पायल कहाँ है? पायल, ए पायल, ए पायल, चलो चलो चलो। अरे भाई फोन छोड़ो, इधर आओ हमारे पास। चलो 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 चलो। इतनी बड़ी हो गई, बिल्कुल अपनी माँ जैसे होती जा रही हो तुम। बाप, वो क्या है कि आपके नक्शे कदम पर चल के अज्जू भैया ने जल्दी शादी कर ली, तो फायदे में रहना। वो कैसे कैसे कैसे? बाल पकने से पहली बेटी सयानी हो गई। अरे चुप रहो, मेरे बच्चे को नजर मत लगाओ। अरे भाई, आज तो हमारे बच्चों ने हमें सरप्राइज देकर हमारी तबीयत खोल। राइट डैड, अब आप भी हमें खुश कर दीजिए एक छोटी सी पार्टी दे के। ओके ओके डन। अरे तो भैया, मैंने कहा आओ। ओ नहीं, कैसे गोटेगा इतना। फिर मैंने कहा भैया चक्की चला, तो वो नहीं माने। फिर मैंने दुनाली उठाई और धन से गोली मार दी। गुड इवनिंग बेदी। ओ सर, गुड इवनिंग सर। बेदी अंकल, ओहो नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भाई बेदी साहब, ये सब? अरे रावत साहब, ये हमारे मल्होत्रा साहब की बगिया के फूल है। अच्छा, और आप है रावत साहब हमारे बॉस। ये पुत्र नंबर 1 अजय, पुत्र नंबर 2 संजय, पुत्र नंबर 3 रोहित, और पुत्र नंबर 4 करण। करण, गलत परिचय दिए हो भैया। क्यों? इतने लायक बच्चों के नाम चाहे जोन हो, पर हैं तो ये राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। अरे भाई वाह, बहुत अच्छी बात कही है। ये तो ठीक है, लेकिन इनके पिताश्री कहाँ है? महाराज दशरथ जी। ओह, क्या देख रहे हो? बांधो ना। यू नो, हमने ठीक ही कहा था। क्या? आप वाकई जादूगरनी हो। वक्त को मुट्ठी में बांधने का जादू आपको मालूम है, इसलिए आप 20 की रह गई और हम हो गए 60 के। मैंने वक्त को नहीं, आपके प्यार को मुट्ठी में बांध रखा है। प्यार ही तो वो जादू है जो उम्र भर जवान बनाए रखता है। तब तो हम उम्र भर जवान रहेंगे। अरे भाई अजय, जरा ऊपर जाके देखो, दूल्हा दूल्हा रेडी हुए या नहीं? जी जी। और कहीं ऐसा तो नहीं हम सबको चकमा देकर नया जोड़ा हनीमून पे निकल लिया हो? ये देखो पायल, ये रिवर्स में हंसती है। Yes! अरे भाई मुबारक हो राज, एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक। भाभी जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अरे भाई राज, जब हम अंग्रेजों के छोड़े हुए हनीमून एनिवर्सरी बदे से याद रख सकते हैं, तो फिर उनकी एक प्यारी सी रस्म क्यों नहीं याद रख सकते? कौन सी रस्म भाई? अरे वही जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हन को गोद में उठा के घर की चौखट लांगता है। गल कितनी है, जवाब नहीं। और राज भाई देखते क्या, उठाओ परजाई को। अरे क्या कर रहे हो सरदार जी, क्या कर रहे हो? अरे मजाक कर रहे हो क्या? अरे तनिक राजू भैया की उम्र तो देखो। राजू भैया क्या खराबी है हमारी उम्र में? अरे राजू भैया, कहीं कमर अमर में झटका आ गया ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। काहे, क्या समझे तो कि हम बुढ़ाएगा? नहीं, सठियाएगा? नहीं। अरे भाई हम बहुत जवान है, उठा के दिखाई का। हाँ देखो भैया, मैडम, अरे अरे हेलो सुनो, अरे देखो, अरे सोनियत, ओके कोई बात नहीं, प्लान नंबर 2। आजा भाइयों, आजा भैया, आजा देखो, सुनो बात नहीं, वो जो हम लोग खरीदने वाले हैं। हाँ ये मेरी मखणा, मेरी सोनिए चन बलिए, मेरी मखणा,
मेरी सोनिए हर चन बलिए। सोनी तेरी चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी वे, सोनी तेरी चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी वे। मेरी मखणा मेरी सोनी है मर जावा है तेरे बिन वे, सोनी तेरी चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी वे। हाय सोना मेरा यार सोना वे नचदा कमाल सोना वे। मेरी मखणा मेरी सोनी ए चन बलिए। हाय चांदनी की हसीन मूरत है सब हसीनों से खूबसूरत है। ए जान दिल से मैं तुझ पे मरता हूँ, तू मेरे प्यार की जरूरत है। मेरी तकदीर मेरा ख्वाब है तू, सब सितारे है माहताब है तू। तुझसे सारे हसीन शर्माए सब हसीनों से लाजवाब है तू। सोनी तेरी चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी वे। हाँ सोना मेरा यार सोना वे नचदा कमाल सोना वे। मेरी मखणा मेरी सोनी ए चन बलिए। मेरी मखणा मेरी सोनी ए हर चन बलिए। दिल गया दिल रुबा बनाने में, खुद को खोया है तेरे पाने में। हुस्न से तूने रोशनी कर दी आके मेरे गरीब खाने में। तो मेरी सांसों की रवानी है तेरे दम से मेरी जवानी है। तेरी जुल्फों के घने साए में मेरी जन्नत है जिंदगानी है। सोनी तेरी चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी वे। ओए सोनी तेरी चाल सोनी वे
लगती कमाल सोनी वे मेरी मखणा मेरी सोनी है मर जावा है तेरे बिन वे सोनी तेरी चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी वे मेरी मखणा मेरी सोनी है चन बलिए मेरी मखणा मेरी सोनी है चन बलिए मेरी मखणा मेरी सोनी है चन बलिए Excuse me, क्यों भाभी जी ठीक कह रहा हूँ? तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव आलोक बेटे आलोक प्रणाम बाबूजी 100 साल जियो खुश रहो ये लो अपनी मम्मी से बात करो छटपटा रही बात करने के लिए तुमसे हेलो नमस्कार माँ जी चरण स्पर्श मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप दोनों यूं ही हंसते मुस्कुराते 100 साल तक जिए थैंक यू बेटा अब तो तेरी पढ़ाई भी खत्म हो गई है इंडिया कब आ रहा है तेरी बहुत याद आती है याद तो आपकी भी मुझे बहुत आती है आपकी दुआ से मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई इसी कोशिश में हूँ कि एक आध महीने में इंडिया ट्रांसफर ले लूँ ये तो बहुत अच्छा हुआ बस तू तो जल्दी से आ जा तेरे लिए एक सोनी कुड़ी ढूंढ कर तेरी जल्दी से शादी करा देते हैं हंस क्यों रहा है माँ जी कुड़ी तो मैंने ढूंढ ली है कुड़ी ढूंढ ली क्या बात कर रहे अब आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सोनी है या नहीं तो फोटो भेज देना जल्दी से नाम क्या है कुरियर कर चुका हूँ शायद कल तक मिल जाएंगे आपको और उसका नाम है अर्पिता माँ बहुत प्यारा नाम है शुक्रिया माँ जी थैंक यू बेटा नमस्ते माँ जी नमस्ते चलो हिम्मत जुटा के बाबू जी और माँ से बात तो कर ली हाँ पर मान लो मम्मी पापा को मैं पसंद नहीं आई तभी तुम मुझसे शादी करोगे अर्पिता ये वो लोग हैं जिन्होंने कनाथ बच्चे को सड़क से उठाकर उसे यहां तक पहुंचाया जहां पर कि मैं आज हूं ये मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है और ये सच है कि अगर उन्होंने शादी से इनकार कर दिया तो मैं ये शादी नहीं करूंगा और ये भी सच है मैं जिंदगी भर तक शादी नहीं करूंगा और जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूंगा आई प्रॉमिस तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे अपना बनाया है आलोक शादी हो ना हो मैं तुम्हारी हूं आई लव यू टू सो गए बच्चे हाँ हाँ अज्जू और किरण हमारे कमरे में सो रहे हैं अच्छा और संजय और रोहित नीचे वाले कमरे में और वो बेचारा बैचलर करण वो कहाँ है करण राहुल और पायल के साथ हॉल में सो रहा है ओहो ये सब तो ठीक है मैडम लेकिन अब हम कहाँ सोएंगे हम हाँ आइए हम यहाँ सोएंगे यहाँ क्यों अच्छा नहीं लगा नहीं नहीं बहुत फर्स्ट क्लास जगह है अरे बेकार में ही लोग हनीमून मनाने लंदन पेरिस न्यूयॉर्क शिमला मसूरी गोवा जाते हैं ये तो एकदम फर्स्ट क्लास बहुत बढ़िया जगह है हाँ
अच्छा डैड, हम लोग चलते हैं, बहुत इंजॉय किया। अब कब आओगे? जब आप कहें। दिवाली पर? हाँ। अरे भाई दिवाली से पहले तो होली है। हाँ, होली तो आना ही होगा। जल्दी खत्म लिखना, हमें बहुत याद आती है। ओके डैड। अच्छा डैड बाय। Dad, bye. Bye. Mom, bye. Mom, mom, love you. Bye, mom. Bye. अरे सुनो, पहुंचते फोन करना। हाँ, पक्का पक्का पक्का। Bye, Dad. Bye, mom. 24 घंटों की रौनक के बाद घर फिर से सोना हो गया। हाँ, लेकिन इन 24 घंटों ने हमें कितनी ताजगी दी है। अरे संजू नहीं दिख रहा कहीं, कुछ दिन रुकेगा क्या? उसकी ट्रेन में अभी टाइम है। ओ, अच्छा। और वो आपसे? वो आपसे? उसे 50,000 रुपयों की जरूरत है। 50,000 रुपए? वो क्या है, वो लोन से गाड़ी लेने वाला है ना, और उसे क्या कहते हैं, अपनी तरफ से जो पहले पैसा देना पड़ता है। हाँ, डाउन पेमेंट। हाँ हाँ हाँ। और उसे आपसे कहने में संकोच हो रहा है। अरे पापा से संकोच? अच्छा। अरे संजू, ए संजू। हाँ डैड, क्या हुआ डैड? भाई आज हम तुमसे बहुत नाराज हैं। नाराज डैड? मैंने ये जो तुमने किया है ये बहुत गलत किया है। डैड मैंने तो बड़ो ये बताइए कि आपके और आपके पापा के बीच में ये मम्मी कहाँ से आ गई? हैं? अरे भाई अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो हमसे कहो, हमसे कैसा संकोच? डैड मैंने सोचा कि शायद आप। बेटे हम तुम्हारे पापा हैं और जब तक हम हैं हमारे बच्चों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप बिल्कुल बेफिक्री से दिल्ली जाइए, पैसे आपको वहां पहुंच जाएंगे। ओके थैंक्स डैड। चलो। अरे चलो भाई, नाश्ता नहीं करोगे? यस डैड। मल्होत्रा साहब, ये जो ग्रेच्युटी के अगेंस्ट आपने 50,000 का लोन मांगा है, आप जानते हैं इसके बाद आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं नहीं, आप जैसे सिंसियर एम्प्लॉय को ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और फिर आप हमारे दोस्त भी हैं। आपने हमेशा दूसरों को हमारी इन्वेस्टमेंट और बचत स्कीम के बारे में एनकरेज किया है, मगर खुद के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। जो कुछ भी कमाया वो बच्चों की ज़रूरतों और मांगों पर खर्च कर डाला। मगर सच बात तो ये है कि रिटायरमेंट के बाद अपना पैसा ही सबसे बड़ी ताकत होता है। सर हमारी ताकत तो हमारे बच्चों की मुस्कानें हैं, वो पैसा ही किस काम का अगर ऐन वक्त पर बच्चों के काम ना आ सके। अब ऐसे भी सर रिटायरमेंट के बाद का मुझे जरा भी फिक्र नहीं है। भगवान की कृपा से 4-4 बेटे हैं, 4-4 अनमोल फिक्स्ड डिपॉजिट, तो 4-4 फिक्स्ड डिपॉजिट, 8 बाजू, सारे के लिए इतना बहुत है मेरे लिए। अरे भाई साहब। मिस्टर राज मल्होत्रा। यस। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। अरे देवी जी, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट टेक ऑफ होने में देर हो सकती है, लेकिन आपका ये जो दरवाजा खोलना है इसमें कभी देर नहीं होती। ये क्या चाय की तस्वीर को हाथ लगा रहे हैं आप? छोड़िए छोड़िए छोड़िए, हाथ आगे बढ़ाइए, हाथ आगे बढ़ाइए। टन टडा ये टडा। अरे इतनी जल्दी? भाई बॉस का जब हुक्म होता है तो हुक्म बजाना पड़ता है। पैसों के लिए बच्चों का कोई भी काम नहीं रुकना चाहिए। ये किसकी चिट्ठी है? ये आलोक की चिट्ठी आई। अरे फिर तो उस लड़की की तस्वीर होगी इसमें। अरे बचपन की होगी, लेकिन बचपन नहीं गया तुम्हारा अभी तक। एक तस्वीर हमें भी दिखाओ भाई। कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ, बहुत अच्छी जोड़ी है। चलो अच्छा है, आलोक भी सेटल हो जाएगा। वैसे उसे यहाँ तक पहुँचाने में आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं पूजा, मैंने कुछ नहीं किया। इस बच्चे में बहुत पहले से ही आसमान को छू लेने का जोश था, मैंने तो बस उस जोश को परवास दी है। कल किसी बात मालूम पड़ती है ना? चाय जी का श्राद्ध था, याद है तुम्हारा, हम अनाथ आश्रम से बाहर आ रहे थे, अचानक एक मीठी सी आवाज ने हमारे जैसे पांव ही रोक लिए। साहब जूता पॉलिश करवाएंगे? प्लीज साहब करवा लीजिए ना, 1 रुपए में मैं एकदम चमका दूंगा। बेटे ये किताब तुम्हारी?
हाँ साहब, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कुछ बनने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैं जूता पॉलिश करता हूँ। प्लीज साहब करवा लीजिए ना। आपका नाम क्या है? यहाँ अनाथ आश्रम में सब मुझे छोटू कहते हैं, पर जब मैं स्कूल में जाऊंगा मैं अपना नाम आलोक लिखूंगा। आलोक, आलोक का मतलब जानते हैं आप? हाँ, मैनेजर साहब कहते हैं आलोक माने रोशनी। अरे छोटू, किससे बात कर रहा है तू? अरे साहब, आप अभी आई हैं? जी मैनेजर साहब, आज के बाद इस बच्चे का नाम छोटू नहीं आलोक होगा। जी अच्छा। ये पढ़ना चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करेगा। आलोक बेटे इधर आओ। देखो बेटे, मैं तुम्हारा दाखिला एक स्कूल में करवाने जा रहा हूं, तो वहां खूब पढ़ना, जितना जी चाहे पढ़ना, पर ऐसा करने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। बस 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 बस, बस। पूजा, उस दिन उस बच्चे ने हमारे पांव नहीं, हमारा दिल ही छू लिया था। वाकई उसने जो सोचा वही करके दिखाया। अपनी लगन और आपके प्यार भरे सहारे से आलोक विदेश तक पहुंच गया पढ़ाई के लिए, और अब तो हेलो माँ जी, प्रणाम। अरे आलोक बेटा, 100 साल जियोगे, अभी तुम्हारी बातें कर रहे थे हम। अच्छा, स्पीकर फोन पे रखो, हम भी सुनेंगे। हेलो माँ जी, फोटोग्राफ्स के बारे में पूछो ना। पूछता हूँ माँ जी। पूछो माँ जी, वो पूछो, वो एनवेलोप मिला क्या माँ जी? वो आपको एनवेलोप बरखुदार, आप वो फोटोग्राफ के बारे में पूछ रहे हैं या एनवेलोप के बारे में? प्रणाम बाबूजी। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों ही चीजें हमें मिल चुकी हैं। कैसे लगे बाबूजी? ठीक ठाक है। नाक थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी मोटी है, और आंखें वो पूजा। अरे आप भी क्यों परेशान कर रहे हो आलोक? ये ऐसे ही कह रहे हैं, अर्पिता बहुत प्यारी है। शुक्रिया माँ जी। अरे भाई साहब, ने काम में देरी मत कीजिए, फटाफट शादी कर डालिए। लेकिन बाबूजी आपके बिना? बेटा यूं समझ लो, हम वही हैं, हैं? हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन हम दोनों का वहां होना नामुमकिन है। बस हमें तो इंतजार है उस दिन का, जिस दिन तुम हमारी बहू को लेकर के घर आओगे। ठीक है बाबूजी, जैसे आपकी इच्छा। जी तेरा खुश रहो। पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ, मेरी नींद गई चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा, हाँ कुछ तो होने लगा। एहसास है ये,
पहली मोहब्बत का एहसास है ये, कैसे बताऊं कि क्या प्यास है ये। तो कोई हॉलिडे नहीं, फिर बैंक खाली कैसे है? ये सब क्या है भाई मल्होत्रा साहब? आज ऑफिस में आपका आखिरी दिन है और सबके सब एक ही बात कहे जा रहे हैं कि आपके जाने के बाद बहुत सूना सूना लगेगा। अरे यस। ओए राज, आज तक तू सबके सुख दुख शेयर करता रहा, सबकी गल्ला सुनता रहा, लेकिन आज ये सारे सुनेंगे और तू बोलेगा। क्या कहें, 30 साल हो गए हैं, साल के 365 दिन और दिन के 8 घंटे यानी पूरे जीवन का एक बहुत भारी हिस्सा हमने यहां गुजार दिया आप लोगों के साथ, आपके प्यार और आदर के साथ। यहां से जाने का मुझे बहुत दुख है, लेकिन यह जीवन का नियम है, एक जाता है तो उसकी जगह भरने कोई दूसरा आता है। मैं जाऊंगा तो कोई दूसरा आएगा, एक नया चेहरा, एक नया नाम, नए जोश के साथ, और मैं भी कहीं और जाऊंगा, दूसरी नौकरी करूंगा। ये सामने बैठी मेरी नई बॉस जो घूरते हुए मुझसे कह रही हैं कि तुम नहीं सुधरोगे। कभी नहीं, जो सुधर गया वो राज मल्होत्रा नहीं। भाई मल्होत्रा साहब, आपका रिटायरमेंट हम सबको बहुत खल रहा है, आप ऐसा क्यों नहीं करते, 2 साल का एक्सटेंशन लेके हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल। देखिए रावत साहब, काम की आपाधापी में जिंदगी को जल्दबाजी में खाए हुए निवाली की तरह हम निगलते चले गए, अब बाकी की जो जिंदगी है उसे हम जरा स्वाद ले ले करके जीना चाहते हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ। As you wish। अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो इतना याद रखिएगा कि हमारे दिल और इस ऑफिस के दरवाजे
आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। थैंक यू थैंक यू। प्रिय बेटा, बहुत बहुत प्यार। हम और तुम्हारी मम्मी तुम सबको बहुत याद करते हैं, हम कुछ ज्यादा ही, क्योंकि हमारे पास अब वक्त ही वक्त है। हम रिटायर हो चुके हैं बेटा, और अब हम अपनी आगे की जिंदगी के बारे में कुछ फैसले लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम लोग इसमें हमारी मदद करो। अगले हफ्ते होली है, अगर तुम लोग आ जाओगे तो हमारी होली भी रंगीन हो जाएगी और कुछ बातें भी हो जाएंगी। बहुत बहुत प्यार, पापा। हेलो। नमस्ते भैया, संजू बोल रहा हूँ। हाँ संजय, बोलो। भैया, पापा की चिट्ठी मिली आपको? हाँ मिली। तो क्या सोचा आपने जाने के बारे में? भाई, तुम्हारी भाभी का तो कहना है कि हम सब लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए। डैड रिटायर हो चुके हैं, ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड का पैसा भी आ गया होगा। चल के सलाह मशवरा कर लेना चाहिए कि इतनी बड़ी रकम का करना क्या है। इसी बहाने होली भी साथ में मना लेंगे। वाह 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 वाह। बाजे ढोल मृदंग, मन से मन का मेल जो हो तो रंग से मिल जाए रंग। हिल मिल आवे लोग लुगाई, भाई महारान में धीरा यावत में होरी खेले रघुबीरा। अरे होरी खेले रघुबीरा यावत में होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा यावत में होरी खेले रघुबीरा। तलक दिनी दिक्कत कताल जा 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 जने ने जा ने बड़ी दिक्कत कत दिनी दिक्कत दिन तो कारे काए है का जने ने धान दा थोड़ी दिन बस दिन बस दिन तरन धान दा दिन तरन 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 तोरी शब्द में उमरिया की थोरी। हाय 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 चाचा। तरना 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 तर
देखे है ऊपर से छाके नहीं अंदर सजनिया, देखे है ऊपर से छाके नहीं अंदर सजनिया। उम्र चढ़ी है दिल तो जवान है, उम्र चढ़ी है भैया दिल तो जवान है। बाहों में भर के मुझे जरा झन का दे पजनिया, बाहों में भर के मुझे जरा झन का दे पजनिया। साची कहे है कबीरा या वध में होरी खेले रघुबीरा, अरे साची कहे है कबीरा या वध में होरी खेले रघुबीरा, अरे होरी खेले रघु होरी खेले रघुबीरा, अवध में होरी खेले रघुबीरा। आजा भाई, खाना लगने वाला है, खाना लगने वाला। बैठ जाओ। दादाजी, हाँ जी, आप हमेशा इसी जगह क्यों बैठते हो? क्योंकि ये हेड ऑफ द फैमिली की जगह है और हम हेड ऑफ द फैमिली हैं। कैसे? देखो, यूं समझ लो कि ये जो डाइनिंग टेबल है एक बहुत बड़ा पेड़ है, और तुम्हारी दादी जो है, जो इस समय वहाँ बैठने जा रही, ये देखो तुम्हारी दादी जो है वो इस पेड़ की रूट्स है, जड़ें सारे पेड़ को थामे रखती है, और तुम्हारे दादाजी जो हैं वो हैं मजबूत तना जो गर्व से सर उठाकर सबको लहलाते हुए देखते रहते हैं। और मम्मी पापा चाचू आंटी ये सब वो इस पेड़ की हरी भरी शाखाएं हैं। और इससे पहले कि आप मुझसे पूछें कि आप और पायल दीदी क्या हैं, मैं आपको बता दूं कि आप इस पेड़ के मीठे मीठे फल हैं। लाओ भाई लाओ लाओ, क्या है खाने को दिखाओ, क्या है ये? अरे वाह माँ, बादाम का हलवा। अरे ये ढोंगा तो मेरा है, किसी को नहीं मिलेगा। मॉम, दिस इज नॉट फेयर। अब छोड़ो ना रोहित भैया, सब जानते हैं कि शाखा प्रमुख अज्जू भैया मॉम के सबसे फेवरेट हैं। आप फिलहाल पानी से काम चलाइए। ये वाव मॉम फिरनी। देखो घबराओ मत, मैंने सबके लिए कुछ न कुछ स्पेशल बनाया है। अरे भाई, हमारे लिए? जो हमसे बच जाए वो आपका। अच्छा। Oh, what a wonderful family you've given me. Dad, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, कहना तो चाहते थे, लेकिन कहने से पहले हम कुछ पूछना भी चाहते। तो पूछिए ना डैड। मैं देखो, हमने तो हमेशा ये माना कि हमारे बच्चे लायक हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने मम्मी पापा को लायक समझते हैं या नहीं। डैड, आप भी ना बस। डैड, शायद इस दुनिया में कोई ऐसा हो जिसके माँ बाप आप दोनों से अच्छे हों। डैड, हम बेहद लकी हैं डैड, जो हमें आप जैसे लविंग और केयरिंग पेरेंट्स मिले। थैंक यू। अब हम अपनी बात कर सकते हैं। बात मुख्तसर सी है। देखो, पिछले 40 सालों में हमने जो कुछ भी जमा किया उसे अगर हम खर्च करना चाहें तो हिसाब ये बनता है कि फैमिली की जरूरतें पूरी करने के लिए ये जो हम जद्दोजहद कर रहे थे, इसमें हम लोग साथ होकर के भी साथ रह नहीं पाए। हमें तो पता ही नहीं चला कब तुम लोग बड़े हो गए और अपनी अपनी दुनिया में खो गए। और ये जो साथ रहने की खुशी थी, ये हमारे लिए छोटे छोटे
पलों में बंद कर रह गई और इन छोटे छोटे पलों का हम तो बस इंतजार ही करते रहते थे कि कब हम लोग साथ मिलेंगे, साथ होंगे। लेकिन अब हम रिटायर हो गए और हमें फुर्सत मिल गई, तो अब हम ये चाहते हैं कि इन 40 सालों का जो घाटा है ये पूरा किया जाए। तुम लोगों को प्यार देकर, तुम लोगों का प्यार पाकर, तुम लोगों के साथ रहकर अब तक हम तुम्हारे बहुत सारे फैसले जीवन के करते आए, लेकिन अब हम चाहते हैं कि तुम लोग हमारी जिंदगी का फैसला करो। बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा हम तुम लोगों से अलग नहीं रहना चाहते, तुम्हारे साथ रहना चाहते। अब तुम लोग ये डिसाइड करो कि कब, कहां और किसके साथ हम रहेंगे। बस इतना ही कहना था। आपस में बात करना चाहते मैंने, करो करो, हम लोग बाहर चले जाते हैं। चलो पूजा, बच्चों को काम करने दो। क्या, अरे इस तरह से मेरी तरफ क्या देख रहे हो? हम दोनों तो पहले से ही परेशान हैं। एक बड़े शहर में इतनी महंगाई में रहना तुम लोग तो जानते हो ना, और 3-4 साल में बेटी की शादी होने वाली है, उसका क्या होगा? वाकई इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। भैया मैं तो डेफिनेटली मॉम डैड को अपने साथ ले जाता, लेकिन रीना भी काम पे जाती और फिर नहीं रे बाबा, पहले जाके ऑफिस में पिसो, उसके बाद में घर आके सास ससुर के नखरे सहो, मुझसे नहीं होगा। भाई मैंने तो अभी अपनी जिंदगी शुरू की है, वैसे भी मेरी हालत पतली है, हर 11 महीने में मुझे घर बदलना पड़ रहा है। करण तुम ही उन्हें लेकर क्यों नहीं जाते, जिससे तुम्हारी भी देखभाल हो जाएगी और उनकी भी। वाह भाभी वाह, थैंक्स फॉर द सजेशन बट नो थैंक्स, मैं खुद को नहीं संभाल सकता, उन दोनों को कैसे संभालूंगा। ये बच्चों ने बड़ी देर लगा दी अपना फैसला सुनाने में। जरूर उन लोगों में झगड़ा हो रहा होगा कि कौन पहले हमें अपने घर ले जाएगा। हाँ ये हो सकता है। कुछ सोचा है, क्या करना है? करना क्या है किरण, मॉम और डैड को अपने साथ लेकर जाना होगा। यहां पर उनका कौन है? देखो अजय, बरसों से हम लोग अपनी लाइफस्टाइल जीते आ रहे हैं, अब अचानक नई शुरुआत करना कोई मजाक है? एक मिनट, क्या ऐसे नहीं हो सकता कि मम्मी डैड यहीं रहें और जिससे जो हेल्प हो सके वो कर दे? ये क्या कह रही हो भाभी, डैड और हेल्प, ही विल नेवर एक्सेप्ट। एक आइडिया है, ऐसा करते हैं कि भैया आप मम्मी को अपने साथ ले जाएं और मैं पापा को ले जाऊंगा, फिर 6 महीने बाद पापा रोहित के यहाँ चले जाएंगे और मम्मी करण के यहाँ, इस तरह वो हम सबके साथ रह भी पाएंगे और किसी पे ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। क्यों, कैसा लगा आइडिया? एकदम फ्लॉप आइडिया भैया, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मॉम और डैड एक दूसरे से अलग होने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होंगे। यही तो मेरे हस्बैंड के आइडिया का मेन पंच है, ना ही मम्मी पापा एक दूसरे से अलग रहने को राजी होंगे, ना हमारे साथ आके रहेंगे, बात वहीं की वहीं खत्म। Exactly. Very good. वो अपने घर पे खुश और हम अपने। लो आ गए,
सॉरी डैड, आप लोगों को इतना इंतजार करना पड़ा। एक्चुअली डैड, हम लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि पहले कौन आप लोगों को अपने साथ ले जाएगा। हाँ, वो करण तो कहने लगा कि अगर मम्मी पापा बारी बारी हर एक के साथ रहेंगे तो इसका नंबर तो 2 साल के बाद आएगा। ऑफ कोर्स, मैं इतना क्यों वेट करूं। हाँ करण, तू कहां से बीच में आ गया, तुझसे पहले मैं हूँ। जी तो चाहता है कि मम्मी पापा को चुरा कर मैं ही रख लूं हमेशा के लिए। तो सबकी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया है कि पापा मेरे साथ रहेंगे, मम्मी किरण के साथ रहेंगे। फिर 6 महीने के बाद पापा रोहित के साथ और मम्मी करण के साथ रहेंगी। इस तरह से आप दोनों का प्यार हम सब में बढ़ता रहेगा। क्यों, ठीक है ना? हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, ये नामुमकिन है। बच्चे हमारा प्यार नहीं, हमें बांटना चाह रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए। नहीं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते हैं। बस, बोल दिया हमने। देखिए, आप अपने बच्चों, अपने ही अंश को समझने में भूल कर रहे हैं। इसी बात का तो दुख है पूजा, कि हमारी आत्मा हमारे शरीर का अंश होने के बावजूद ये इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके माँ बाप 2 नहीं 1 हैं। अरे, जिन्हें भगवान ने 1 किया है उन्हीं को ये अलग करने की सोच रहे हैं? ऐसा नहीं है जी। हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है। चाहो जाकर अपने बच्चों से कह दो कि हम जहां हैं, जिस हाल में हैं, खुश हैं। न कल हमें उनके सहारे की जरूरत पड़ी थी और नाच पड़ेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उनकी गलती ही क्या है? बरसों तक हमारे प्यार के लिए तरसते रहे, अब वही पाने के लिए उन्होंने कोई रास्ता ढूंढा है तो आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? देखिए, आप अपने बच्चों की नियत पर शक मत कीजिए, उनका दिल मत तोड़िए। आपको मेरी कसम। सीना, डोंट डू दिस टू मी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी ये कसम, तुम्हारे आंसू मुझे कमजोर बना देते। ठीक है, जाइए जाइए जाइए, जो कुछ आपको कहना है अपने बच्चों से जाके कह दीजिए। हमें तुम्हारा फैसला मंजूर है बेटा, बता देना कब और कहां जाना है। तुम लोग अपने आइडिया पर बड़े खुश हो रहे थे, अब देख लिया। हमें क्या पता था, खातिर कराने का इतना शौक है कि अलग तक रहने को राजी हो जाएंगे। क्या? अरे तुम अभी तक यहां पर हो? टैक्सी को लेकर आएगा, चलो जाओ। टाई बांधो।
आज से मैं टाई नहीं बांधने वाला हूं, कभी नहीं। सुनिए, जरा यहां आइए। देखो, मैं वहां नहीं होंगी। वक्त पर दवाइयां लेते रहना। ठंडी चीजों से आपको एलर्जी है, बत परहेजी मत करना। रामावतार भाई सब कहते हैं रुद्राक्ष अगर दिल के पास हो तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। मेरे दिल के पास तो तुम मत पूछो, इस रुद्राक्ष किसी और चीज की मेरे दिल में जगह नहीं। तुम नहीं सुधरोगे। हम नहीं सुधरेंगे, पूछो, कभी नहीं सुधरेंगे। रिया, मॉम डैड कहाँ हैं? अंदर रोमांस चल रहा है। ओफो, मॉम डैड जल्दी कीजिए, देर हो रही है। सोचे बागबान, क्या बोया था और क्या काटा, सोचे बागबान। बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है है। वाह राजू भैया, खूब ही नेक बदला दिए हमार 40 बरस की दोस्ती का, हमार प्रेम का। का कहते रहे, जवानी के यार है बुढ़ापे तक साथ ना छोड़ी। तो अब का हो गया, कहां गई तुम्हार दोस्ती, प्रेम, यारी, वफादारी? रामतार भैया, तनिक हमारी बात सुनो। कछु नहीं सुनता हमका। अरे अव्वल दर्जे के दगाबाज हो तुम, न पूछा न बताए, बस चलती है नाता तोड़ के। नाता तोड़ के तुम्हारे साथ, ये घर के साथ, जहां हम तुम्हारे भौजी के ब्याह के लाए, जहां हमारे बच्चे पैदा हुए बड़े हुए, उनके साथ नाता तोड़ दें? ना भैया ना, तुम्हारे साथ ही घर के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, उनके साथ हम कैसे नाता तोड़ सकते हैं? बताओ। का करिए का? बोलो राजू भैया, का करिए चाबी का? तुम्हारी यादन को धोई पोछ के नया किराएदार रख ली। यहां अब कोई किराएदार ना रही, ये घर तुहार है, तुहार ही रहेगा हमेशा। जाते हैं भैया, जाते हैं।
इन्हें मैं अपने साथ लेके जा रहा हूं। इन बेचारों को अलग होके तड़पता मैं नहीं देख सकता। गुड बॉय, गुड बॉय। बस 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 बस। करण के साथ रहना, परेशान मत करना उसे, हाँ? मामा, हमारी टैक्सी ये है। वो भी निकाल दो ध्यान से। जी साहब। सामान चेक कर लेना। कितना हुआ? 80 रुपए साहब। संजू बैग ले जाओ। हेलो, हे टीना। क्या बताऊं यार, वहां पहुंचे तो पता चला कि संजू के पापा रिटायर हो गए। अब ना तो उनके पास रहने का ठिकाना है ना पैसे। क्या करते, लाना पड़ा। एनीवेज यू फॉरगेट दैट। ये बता कैसी है तू? आप अपने बच्चों की नियत पर शक मत कीजिए, उनका दिल मत तोड़िए। आपको मेरी कसम। दादू, वेलकम होम, हमारे रूम में चलिए। हमारे? हाँ हाँ, मेरा और आपका। अच्छा चलो 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 भाई। नमस्ते साहब। हाँ ललिता भाई, नमस्ते। आओ माँ। नमस्ते। नमस्ते। कम ऑन पायल। एक मिनट में आया माँ। नमस्ते भाभी। नमस्ते ललिता भाई, सब ठीक है? हाँ। ललिता भाई, ये मम्मी का सामान पायल के रूम में रख दो। अच्छा। नो वे मॉम, मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं कर सकती। पायल दादी है। अब दादी है तो क्या हुआ, मैं अपनी प्राइवेसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। प्लीज। सॉरी। वो क्या है मम्मी जी, ये लड़की मुझे भी अपने रूम में ज्यादा देर टिकने नहीं देती। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मामा क्या हॉल में पड़ी रहेंगी? परेशान मत हो बेटा, मैं कहीं भी रह लूंगी, सिर्फ ये सामान कहीं भी। हाँ, ललिता भाई, मम्मी का सूटकेस अपने कमरे में रख दो और बेड पर नई चादर डाल दो। मेरे कमरे में? हाँ, तुम तो किचन में भी सो सकती हो ना। समझती है क्या खुद को? सामान माजा खोले ठेवला तो मैं कुठे रहणार? ज्यादा दिन ऐसा चलेगा तो मैं नहीं रह गया। संजू, खाना लग गया। दादू, डिनर इज रेडी। ओके ओके, हियर आई कम। पापा जी। yeah, हाँ बेटे। पापा जी, यहाँ संजू बैठते हैं, आप वहां बैठिए ना। राइट। सॉरी। मम्मी, ये तो हेड ऑफ द फैमिली की जगह है और वो तो दादू है। हाँ बेटे, वो तो हम हैं, लेकिन यहाँ जो बैठता है ना, उसे बड़ा काम करना पड़ता है। डोंगा पास करो, प्लेट की तरफ देखो। अरे भाई, ये काम तो तुम्हारे पापा करें तो ही अच्छा है कि नहीं? हाय डैड।
Hello, Rita. Hey, Sunny boy, give me a five. How was school, huh? Fantastic, Papa. अच्छा? अरे रीना, भाई कहाँ थी तुम आज? ऑफिस से कितनी बार फोन किया तुम्हें? आज तो मैं बहुत बिजी थी, कुछ खास काम था। अरे खास काम क्या, सोचा था लंच साथ करते, कुछ चाइनीज वाइनीज खाते। डोंट वरी, कल का लंच पक्का, आज तो तुम मेरे हाथ का ही खा लो। चलो ना संजू, बहुत हुआ काम। बस रीना, थोड़ी देर और। नहीं ना बाबा, सुबह जल्दी उठना है, चलो। अरे बाबा, ऑलमोस्ट फिनिश्ड। हां चलो, चल चलो चलो। अरे आई तो रहा हूँ, दौड़ के आऊँ क्या? चलो ना। बेटा सुनो। Hey Dad, good night। अरे बेटे जरा ये फोन इस्तेमाल करना चाह रहा था तुम्हारी माँ से बात करने के लिए। आपके फोन का इंतजार कर रही थी, आप ठीक से पहुंच तो गए ना? पहली बार आपके साथ नहीं हूं, आपके बगैर नींद भी नहीं आ रही थी, आपको बहुत मिस कर रही हूं। कैसे हैं आप? बोलते क्यों नहीं, कहिए ना। मैं यहां, तू वहां, जिंदगी है कहां? मैं यहां तू वहां, जिंदगी है कहां? मैं यहां तू वहां, जिंदगी है कहां? तू ही तू है सनम, देखता हूं जहां। नींद आती नहीं, याद जाती नहीं। नींद आती नहीं, याद जाती नहीं। बिन तेरे अब जिया जाए ना। मैं यहां तू वहां, जिंदगी है कहां? वक्त जैसे ठहर गया, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तना है, रूह प्यासी है। तेरी सूरत अब एक पल क्यों नजर से हटती नहीं? रात दिन तो कट जाते हैं, उम्र तनहा कटती नहीं। चाह के भी न कुछ कह सकूं तुझसे मैं, चाह के भी न कुछ कह सकूं तुझसे मैं, दर्द कैसे करूं मैं बयां। मैं यहां तू वहां,
जिंदगी है कहा। अच्छा पूजा, मैं चलता हूं, चिट्ठी लिखना मत भूलना। जब कहीं भी आहट हुई यूं लगा के तू आ गया, खुशबू के झोंके की तरह मेरी सांसें महका थे। एक वो दौर था हम सदा पास थे, अब तो हैं फासले दरमियां, मैं यहां तू वहां, जिंदगी है कहां। अच्छे कुत्ते जो हैं वो अच्छे लोगों को काटते नहीं है बेटा। अच्छा, वो आपने मोटा भाई से रोक दिया, उन्होंने साला मुझे कितना भगा था। लेकिन ये आपके पीछे क्यों लगा हुआ है? लगा नहीं है, मुझे जॉगिंग करवा रहा है। हाँ, मेरी बीवी के मैके का कुत्ता है, दहेज में आया है। अच्छा, मैंने सोचा ये आपको काटने दौड़ रहा है। वो काम मेरी बीवी करती है, ये सिर्फ मुझे भगाता है। लेकिन कमाल, ये आपकी आवाज सुन के रुक गए। हाँ, हमारे पास भी दो कुत्ते हैं, टाइगर और प्रीति, और हम भी उन्हें पार्क में इसी तरह घुमाने ले जाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। आप इधर दिल्ली में नए हैं? हाँ, मैं कल ही यहाँ आया अपने बेटे के पास। अच्छा अच्छा, ये उर्वशी बिल्डिंग है ना? हाँ, उसी में रहता। उर्वशी में किसके पास? संजय मल्होत्रा। अच्छा, थर्ड फ्लोर। हाँ, तो आप संजय के पिताजी हैं? आप जानते हैं उसे? हाँ, लो बोलो। उसका छोटा बच्चा है ना राहुल। हाँ, राहुल बड़ा प्यारा बच्चा है। हाँ, बहुत। वो आता है ना हमारे म्यूजिक कैफे में। ये म्यूजिक कैफे क्या? अरे, उर्वशी के पीछे ना आर्चिड म्यूजिक गैलरी। हाँ, वो मेरा है। अच्छा, हाँ, टू इन वन है। क्या म्यूजिक सुनना है? म्यूजिक सुनो, कॉफी पीना है कॉफी पियो। एक्चुअली थ्री इन वन है। थ्री इन वन? हाँ, अंदर हॉल है ना, उधर पूरी लाइब्रेरी है, जो पढ़ना है पढ़ो आप। हॉल यानी पढ़ने के लिए छेद में जाना पड़ता है? नहीं नहीं, छेद नहीं, अपना हॉल होते ना भैसा, वो 20x20 का हॉल है। हॉल? ओ, हॉल हॉल। आप शायद गुजराती हैं। लेकिन मेरी बाईडी हिंदी स्पीकिंग है। अच्छा, उधर भी टू एंड वन। मोटा भाई एकदम कॉमेडी है आप। ये मोटा भाई क्यों कहते रहते हैं आप मुझे? मैं आपको मोटा दिखता हूँ? नहीं नहीं, मोटा नहीं, हमारे गुजराती में क्या होता है, मोटा भाई माने बड़े भाई। बड़े भैया, रिस्पेक्ट है। क्या नाम है आपके भाई साहब? मेरा नाम हेमंत भाई पटेल। हाँ भाई, निकलता हूँ निकलता हूँ, ये मुझे दौड़ा के ही रहेगा। आप मेरी म्यूजिक कैफे में आना और मेरे बाईडी की अच्छी कॉफी पीना। निकलता हूँ, फर्स्ट क्लास कॉफी है, चल आजा आजा। किरण, अरे भाई कहाँ हो तुम? क्या है, चाय वाय मिलेगी या नहीं? मुझे पता था यही सब होने वाला है। क्या सब होने वाला है? जानते हो, मम्मी के आने के बाद बाई काम छोड़कर भाग गई। काम छोड़कर भाग गई? लेकिन बाई के काम छोड़कर भागने से मामा का क्या संबंध? तुम्हें क्या पता, आजकल के नौकरों के दिमाग कितने खराब हैं। कहने लगी किचन में नहीं सोऊंगी। हाँ, अब चुप क्यों हो? सुबह उठकर मैं चाय वाय नहीं बनाने वाली, जिसे पीनी हो खुद बनाए। परेशान मत हो किरण, मैं हूं ना। अरे, मुझे तो काम करने की आदत है। पहले तुम्हारे पापा के लिए चाय बनाती थी, अब अपने बच्चों के लिए बनाऊंगी। हम्म।
रीना, अरे जल्दी करो भाई, तुम्हारी वजह से आज मैं फिर लेट हो जाऊंगा। तो मैं क्या करूं, अब एक आदमी का काम बढ़ भी तो गया है ना। तुम्हारे पापा का खाना बनाऊं, कपड़े प्रेस करूं, राहुल को तैयार करूं, मुझसे नहीं होता ये सब। और कोई हेल्प करने वाला भी तो नहीं है ना। पायल, बाय मॉम, आई एम गोइंग। बेटे बाय। Baby, what took you so long? Come. Okay. Hello, baby. Achha, listen now. Okay, please, give me a kiss. Dad? No problem, dekh lete hain. Mami ji, main kitty party ke liye ja rahi hoon. Aapko jo chahiye bana ke kha lijiye. Wo Payal, wo to gayi. Ab dance class ke baad shaam ko hi aayegi. Bye. मोटा भाई, ए मोटा भाई, हाँ, अरे आओ, अरे बाबू, ये हमारा म्यूजिक कैफे। अच्छा, आओ अंदर आओ, ये म्यूजिक कैफे। शांति, अरे संभाल अपने दहेज को। सुन लिया, आ रही हूँ। क्वाइट जॉनी, तुम तो इसके पीछे ही पड़ जाते हो। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? लो बोलो, मैं शोर मचा रहा हूँ? बॉक ये रहा है, राहुल के दादाजी बगीचे में मिले थे, मैंने कहा था ना। अच्छा, मेरी बाईडी, मेरी वाइफ। नमस्ते। क्षमा कीजिएगा, मेरी वजह से आपके नींबू गिर गए। अरे कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। अरे क्यों लज्जित कर रही हैं आप मुझे? अरे मोटा भाई, गिरना पड़ना तो ठीक है, परसों इसने अंडे फोड़े थे। हाँ, ये मेरी वाइफ नहीं, मेरी लाइफ है, मेरी बेटर हाफ है। मोटा भैया बैठिए ना, मैं आपके लिए बढ़िया कॉफी बनाकर लाती हूँ। चाय मिल सकती है? ओहो, आप मेरे हाथ की कॉफी पी कर तो देखिए। हमने चाय पी ली, चाय ले आओ और अच्छी बनाना। उस दिन कस्टमर चाय पी के बोलता है, शू सूप छे यार। देखो हेमंत, प्लीज जस्ट स्टॉप इट, ओके? बंदर क्या जाने आंगन टेढ़ा। वो अगर तुम्हें हिंदी में मुहावरे बोलने का इतना ही शौक है तो कम से कम ठीक से तो बोलो ना, दो को मिलाते क्यों रहते हो? नहीं, मैं हमेशा सिंगल बोलता हूँ। झूठ। मोटा भाई आप बताइए, आप तो हिंदी वाले हैं, इन्होंने जो अभी बोला वो दो मुहावरे थे या एक? भाई दो थे। दो थे? हाँ। कैसे? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अदरक, और दूसरा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हाँ, मैं अदरक और आंगन मिक्स कर गया। हाँ, सॉरी। सुन लिया ना, बस मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नींबू गई। बढ़िया, खूब रौनक जमा रखी है आपने यहाँ पर, है ना। पहले तो क्या हम लोग एक बच्चे के वास्ते तरसते थे, लेकिन अभी देखो कितना दिकरा दिख रही है। हाँ, हमारी कोई औलाद नहीं है ना मोटा भाई। अभी देखो, ए बच्चा लोग, इधर आओ, इधर आओ। नमस्ते अंकल। ये हमारी बच्चा पार्टी। नमस्ते। और बच्चा लोग, ये मिस्टर राज मल्होत्रा, मेरा मोटा भाई जैसे, बैठिए ना। मोटा भाई, ये कपिल है। अच्छा। इसके पिताजी का लंदन में पब्लिकेशन हाउस है। और ये नीली है। हाय अंकल। रंग गोरा है लेकिन नाम नीली है। कैसे हो माँ? ठीक हूँ अज्जू। किरण, वो तो कहीं गई है बेटा, तुम्हें बता कर गई होगी? नहीं माँ, आती होगी। पर बेटा एक बात कहूँ, तुम्हें इन चीजों का ख्याल होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तुम्हारी बेटी कहाँ है। तुम्हारे पापा इन चीजों का हमेशा ख्याल रखते थे। ये उनकी दखलंदाजी थी मामा, देखा जाए तो उनका डोमिनेटिंग नेचर। बट आई बिलीव इन कंप्लीट फ्रीडम। हर इंसान को अपनी जिंदगी मन मुताबिक जीने का पूरा हक होना चाहिए। लेकिन घर में एक अनुशासन का होना जरूरी है, और वो तुम रख सकते हो। तुम्हारे पापा ने हमेशा परिवार पर कंट्रोल रखा, डिसिप्लिन मेंटेन किया और परिवार को बांध के रखा। अनुशासन का यह मतलब नहीं है मामा कि हम एक दूसरे की जिंदगी में इतना दखल देने लग जाएं कि फ्रीडम खत्म हो जाए। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया वो हमारी भलाई के लिए किया, ये उनका प्यार था।
प्यार जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है मामा, तो घुटन बन जाता है। मतलब हमारा प्यार तुम्हारे लिए घुटन बन गया था? कम ऑन मामा, इस बेकार के झमेले में क्यों पड़ रही हैं आप? दो चार दिन के लिए मेहमान बन के आई हैं, मेहमान बन के रहिए ना। हम तो इसे अपना घर समझ कर आए थे, पर तुमने अपनी माँ को मेहमान ही बना दिया। 3362 के बैलेंस फोर्ड, अच्छा ठीक है, इसको 61 पे। हे डैड, सोए नहीं आप? हमें तो खैर नींद नहीं आ रही, लेकिन तुम क्या कर रहे हो बेटे, रात के 2 बज रहे हैं। वो क्या है डैड, कल ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन है, तो काम तो पूरा करना ही होगा ना डैड। कैन आई हेल्प? आपके बस की बात नहीं है डैड। अरे क्यों भाई, 40 साल से हम यही सब कुछ तो करते आए हैं। अरे छोड़िए डैड, कहाँ आपकी छोटी से कंपनी में 9 to 5 की नौकरी, और कहाँ हमारा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का वर्कलोड। डैड आपके जमाने में ना तो काम में कोई कंपटीशन था और ना लाइफ में कोई टेंशन, हमें तो सरवाइव करने के लिए रात रात भर जागना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है, हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान था? हमारे जीवन में टेंशन ही नहीं था। अरे भाई, हमारे जीवन में भी टेंशन था, लेकिन बावजूद इसके हमने अपने काम में अपना पूरा आउटपुट दिया, मेहनत से पैसे कमाए, इज्जत पाई, चार चार बेटों को इस लायक बनाए कि वो सर उठाकर जी सके। हाँ डैड, लेकिन डैड आपको यह बात तो माननी होगी कि आपके बच्चों में पहले से वो स्किल, वो टैलेंट, वो काबिलियत थी, जिनकी बदौलत उन्होंने खुद अपने लिए रास्ते बनाए, मंजिलें हासिल की, ये घर बनाया, और यही नहीं डैड, अपने प्रेजेंट के साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया, ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। क्या हुआ डैड, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? कम ऑन डैड, यू हैव टू एग्री, आज हम जो भी हैं अपनी ही बदौलत है, और वैसे भी आप लोगों ने हमारे लिए ऐसा किया ही क्या डैड। आओ ना जल्दी। कमिंग स्वीटहार्ट। गुड नाइट डैड। आपके बच्चों में पहले से वो स्किल, वो टैलेंट, वो काबिलियत थी, जिनकी बदौलत उन्होंने खुद अपने लिए रास्ते बनाए, मंजिलें हासिल की, ये घर बनाया, और यही नहीं डैड, अपने प्रेजेंट के साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया, ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वाकई हमने किया क्या है, अगर हम तुम बच्चों को भरपेट खिलाकर खुद आधे पेट पर सोते रहे तो हमने किया ही क्या है? अपनी छोटी छोटी खुशियों का गला घोंट कर अगर हम तुम लोगों की हर इच्छा पूरी करते रहे तो हमने किया ही क्या है? अपने आज को तुम्हारे आने वाले कल के लिए अगर हमने कुर्बान किया है तो भी हमने किया ही क्या है? हमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। शादी के फेरों में आपके पीछे पीछे चलते हुए लगा मैं आपकी छाया हूं, पर आपने मेरा हाथ थाम कर कहा तुम छाया नहीं, मेरा आधा हिस्सा हो, जीवन साथी हो। आपका साथ क्या छूटा, मैं तो अधूरी हो गई। अब न सुबह के 7 बजते हैं
ना शाम के 5:30, ना ही आपके बिना चाय मीठी लगती है। No, that is 283. इसका क्या हुआ? अंकल, what? वो I'll call you back. मोटा भाई, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना मोटा भाई? हाँ, सब ठीक है। वो हमारी वाइफ का लेटर आया था, उसे पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा इमोशनल हो गया। क्या है, 40 साल में पहली बार हम लोग अलग हुए, इसलिए थोड़ा सा। See, he is missing भाभी जी, है ना? We are both missing each other. देखा कितना मिस कर रहे हैं भाभी जी को। और तुम? ऐसी बात नहीं है डार्लिंग, आंसू तो मेरे भी निकलते हैं तुमसे अलग होने पर। हाँ, really? हाँ, लेकिन खुशी के। अब मजाक छोड़ो और कुछ सीखो। कपिल, राज अंकल आंटी को याद करके 40 साल बाद भी रो सकते हैं। तो क्या तुम भी मुझे कभी ऐसे ही मिस करोगे? देखो बेटे, प्यार अगर सच्चा हो तो आखिरी सांसों तक उसकी कशिश, उसकी तड़प बनी रहती। मोटा भाई, आपकी बात सुनने के बाद में हमारे बच्चा लोग रोमियो जूलियट लैला मजनू को छोड़कर आपके फैन हो गए हैं। हाँ, और बनना भी चाहिए। अरे हीर रांझा, लैला मजनू, ये सब तो एक दूसरे के प्यार को तरसते तरसते ही चले गए, लेकिन हमारे मोटा भाई, हमारे मोटा भाई तो 40 सालों से अपने प्यार के साथ जी रहे हैं। Hey, what a great love story. ये लव स्टोरी तो आखिर दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए। अरे अंकल, आपको लिखना चाहिए। लिखते क्यों नहीं? अरे भाई, you must write uncle about your experiences, about your life, about your wife, about your love. लिखो लिखो मोटा भाई, लिखो भाई, बस आपको लिखना है। You must, मैं लिख ही नहीं सकता। कोशिश तो कीजिए, बिल्कुल लिख ही नहीं सकता, मैं नहीं लिख सकता भाई। ये लव स्टोरी तो आखिर दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए। अंकल, आपको लिखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। यू मस्ट राइट अंकल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर वाइफ, अबाउट योर लव। लिखो लिखो मोटा भाई, लिखो। हाँ बिल्कुल अंकल, यू मस्ट, यू मस्ट। बीती बातें याद आती हैं जब अकेला होता हूँ मैं, बोलती है खामोशियाँ, सबसे छुप के रोता हूँ मैं। एक अरसा हुआ मुस्कुराए हुए, एक अरसा हुआ मुस्कुराए हुए, आंसुओं में ढली दास्तां, मैं यहां तू वहां, जिंदगी है कहां, तू ही तू है सनम, देखता हूँ जहाँ। नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, बिन तेरे अब जिया जाए ना। Thank you.
Baby, why do you always have to go home? Anyway, I'll see you tomorrow, okay? Okay. Take care. Oh. Bye. Bye. Hey, gorgeous, want a lift? आ वाओ पायल, आज आने में तुम्हें फिर देर हो गई। मम्मी मम्मी, अरे क्या वो ये शोर कैसा है? डैडी प्लीज समझाइए अपनी मम्मी को, मेरी माँ बनी कोशिश हरगिज ना करे, हर बात पे रोकना, हर बात पे टोकना। माय लाइफ हैज बिकम अ लिविंग हेल। पायल बेटा, हाँ प्लीज चुप रहिए और मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना प्लीज बंद कर दीजिए, ठीक है? क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ी है हमारी बेटी के? पायल मेरी भी बेटी है। अम्मा, हमारी जिंदगी में पहले से इतनी परेशानियां हैं, आप और प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रही हैं? प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए तो कहना पड़ता है बेटा, पायल लड़की है। अब जमाना बदल गया है, लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। औरत के लिए कभी भी जमाना नहीं बदलता, कहना मेरा फर्ज था, सो कह दिया। हमें भी अपना फर्ज मालूम है, आगे से पायल को कुछ मत कहिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं। संजू बाबा उठो ना प्लीज। संजू क्या? खुद तो तुम एक पैग लगाकर सो जाते हो आराम से, मेरा क्या? ये पापा जी ने नया तरीका ढूंढा डिस्टर्ब करने का। क्या? देख क्या रहे हो, जाओ ठक ठक बंद कराओ प्लीज, फिर सुबह जल्दी उठना है, काम पर जाना, नींद भी नहीं पूरी होती है। डैड, आधी रात को आप क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा। डैड, इस उम्र में नींद कम ही आती है, इसका मतलब ये तो नहीं आप दूसरों को भी सोने ना दें। कम से कम रीना का तो सोचिए, सबसे पहले उठती है, राहुल को तैयार करती है, हमारे लिए खाना बनाती है, प्लीज। और नहीं तो आप उसी का ख्याल करें तो अच्छा हुआ। डैड ये भगवान, ये मरवाएगा यार। ये प्रीतम जी, जीजा जी। अबे जीजा जी के साले इधर आ। आया आया आया। ये क्या है, मैंने तुझे अकाउंट लिखने के लिए कहा था ना? वही तो लिख के दिया मैंने। अकाउंट लिखा है कि लव लेटर लिखा है? ये जितना मुझे आता है उतना ही लिख के दूंगा ना। तुझे कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं। अरे क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना, मुझे डांट रहे हैं। अरे हेमंत, क्यों डांट रहे हो मेरे चिट्टू को? ये तेरा चिट्टू एक दिन मेरा पिट्टू कर देगा, दीवाला निकालेगा। ये साला अकाउंट लिखा है कि किसी भिखारी की वसीयत लिखी है ये? अरे इसे इसे फुर्सत कहाँ मिलती है, सारा दिन काम करता रहता है बेचारा। फुर्सत कहाँ मिलेगी, छोकरियों के टेबल पे मंडराता रहता है खाली। हाय, कमिंग, जस्ट कमिंग। कैसा उड़ाइए। अब अकाउंट कौन लिखेगा मेरा काका? अरे बाबा मैं लिख देती हूं। मोटा भाई। नमस्ते मोटा भाई। नमस्ते। आप अकाउंट लिखेंगे? क्यों, मैं नहीं लिख सकता क्या? आखिरकार मैं आपका मोटा भाई हूँ। वो तो है, एक शर्त पे दूंगा मैं। क्या? इसके लिए आपके पॉकेट में मैं जो भी डालूंगा चुपचाप ले लेना। हाँ। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है ना, ना, ये हो नहीं सकता। भी नहीं हो सकता है, होने तो मेरा नुकसान, जाने दो तो मुझे जेल में, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा बाबा, आप जीते हम हारे। अरे ये टाइपराइटर? हाँ भाई, उस दिन बच्चों ने उकसाया था तो मैंने लिखना शुरू तो कर दिया, लेकिन घर पे कुछ मूड नहीं बन रहा था, तो अगर आप दोनों को मेरी खिटपिट से डिस्टर्बेंस ना हो तो। अरे कैसी बातें करते हैं आप। अरे यार, आपको क्या ऐसा बोलने के लिए मोटा भाई बोलते? नहीं, हम दिल से मानते हैं मोटा भाई। कहाँ बैठना है आपको? बैठिए। मैं इधर बैठ जाऊँ? इधर बैठिए, जहाँ भी बैठना जगह आप। ये मोटा भाई, आपको जिधर बैठ के खिटिर पिटिर करना है कीजिए, क्योंकि क्या है कि आपकी खिटिर पिटिर हमारे म्यूजिक के जैसा ही मीठा है। आप बैठिए, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय लाती हूं। शांति बहन, वो अदरक वाली चाय। अभी अरे वाह, सोने पे अभागा, क्या बात है, अदरक। अभागा नहीं, सुहागा। सुहागा, कब सीखेगा ये लड़का? ओहो, ये जानती नहीं है मैं जो मुहावरे कहावतें बोलने में मिस्टेक करता हूँ ना,
वो मैं जानबूझ के करता हूँ। हाँ, क्योंकि जब मुझे सुधारती है तो उसके चेहरे पे दबी दबी सी खुशी चमकने लगती है। ये चमक को देखने के लिए ना मैं मोटा भाई जिंदगी भर मिस्टेक करने को तैयार हूँ। हाँ आयो, आया मैं। खुशकिस्मत हो हेमंत भाई, जो तुम्हारी पत्नी तुम्हें करेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास तो है। पूजा, हम तो तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा याद करके जीने की कोशिश कर रहे थे, मगर तुम्हारे खत ने तो रुला ही दिया हमें। खैर, तुम्हारी कमी तो है ही, मगर भगवान ने अच्छे दोस्तों से मिलवा दिया है। मियां बीवी दो जन हैं, एक कैफे चलाते हैं, सारा दिन इन्हीं लोगों के साथ गुजर जाता है। लेकिन जैसे ही घर जाने का ख्याल मन में आता है तो मानो पांव आगे ही नहीं बढ़ते, दिल वहां जाना ही नहीं चाहता। क्योंकि घर तो वो होता है जहां अपना दिल हो, और हमारा दिल तो हजारों मील दूर तुम्हारे पास पड़ा है। और क्या लिखें, बच्चों का प्यार पाने आए थे, अपना ही प्यार खो बैठे। पापा, मुझे नए शूज लेके दो, देखो ना कितने पुराने हो गए हैं, प्लीज। अच्छा बाबा, दिला दूंगा आज ही। जल्दी करो राहुल, गुड मॉर्निंग पापा जी। चलो चलो राहुल, गेटिंग लेट नाउ। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग डैड। रीना, मैंने राहुल को जूतों के लिए 1500 रुपए दिए, तुम साइज चेक कर लेना। हाँ ओके, ये लो। थैंक्स। जी राज मल्होत्रा। लाओ भाई। तुम्हारी मम्मी का लव लेटर। दादी का, दादी की चिट्ठी, दादी की चिट्ठी। अरे अरे, लो हो गया काम। चश्मा टूट गया। सॉरी दादाजी। नहीं कोई बात नहीं बेटे, मैं तुम्हारे पापा से कहूंगा, वो उसे ठीक करवा देंगे। हैं? अरे बेटे। हाँ डैड। ये मेरा चश्मा वहां गिर के टूट गया, इसे तुम ठीक करवा दोगे? तुम्हारी माँ की चिट्ठी आई, उसे पढ़ना है मुझे। डैड, इस महीने तो पॉसिबल नहीं होगा, वो क्या ना महीने का आखिर है तो हाथ भी कुछ टाइट है। होप यू अंडरस्टैंड डैड, बट डैड अगले महीने पक्का, प्रॉमिस। ओके राहुल, अरे यहाँ क्या कर रहे हो, चलो कम ऑन। शांति डार्लिंग, क्या बनाया है, खुशबू आ रही है। तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ये तो? तुम्हारे लिए नहीं है, ये मोटा भाई के लिए है। मोटा? अरे लो आ गया मोटा। बस अच्छे हैं। हेमंत भाई, एक छोटी सी तकलीफ देनी थी आपको। हाँ बोलो। वो क्या है, आज पूजा की चिट्ठी आई है, लेकिन आज हमारा चश्मा टूट गया। अब आज के आज वो चश्मा रिपेयर तो हो नहीं सकता, लेकिन आज के आज ये चिट्ठी जरूर हमें पढ़नी है। अब हम अगले पढ़ देंगे। पढ़ो ना। कौन सी बड़ी बात है, आइए बैठे। क्या हुआ? ये हिंदी में और कोई बात नहीं, मेरी बाईडी कब काम आएगी। अच्छा अच्छा। शांति। हाँ। हिंदी। अच्छा है, ये लो पढ़ो। ये तो भाभी जी की चिट्ठी है, मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? मैं कर रही। मोटा भाई कितने बेचैन हो रहे, पढ़। एक बात बता, क्या मेरा भी खत तू इतनी बेचैनी? नहीं हेमंत भाई, भगवान न करे आप दोनों कभी अलग हो, आप दोनों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़। सुनिए जी प्यार, आप कहते हैं ना कि मैं अपनी चिट्ठियों से आपको रुलाती हूं, पर इस बार तो आपने भी रुला दिया। ये लिखने की क्या जरूरत थी कि आपका प्यार खो गया? अरे मेरे रहते आपका या आपके होते मेरा प्यार कभी खो सकता है? कभी नहीं। एक बात कहूं, हंसेंगे तो नहीं? पहले जब आईने के सामने खड़ी मैं तैयार होती थी,
तो लगता था आप मुझे देख रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारी आंखों में काजल बहुत अच्छा लगता है पूजा, तुम पर नीले रंग की साड़ी बहुत खिलती है। सच कहूं अब सजने सवरने का मन ही नहीं करता, आखिर किसके लिए सजूं? कौन देखता है मुझे? नहीं मोटा भाई, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। जब आपका चश्मा ठीक हो जाएगा तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये कौन लाया? डैडी? नहीं, मैं लाया। आप लाया? आपके पास पैसे कहाँ से आ गए भाई? वो जूतों के लिए पैसे दिए थे ना। हाँ? ये तो अभी एक दो महीने चल जाएंगे। दादी का लेटर पढ़ना है ना, पढ़िए पढ़िए, शर्माइए मत। तुमसे दूर रहकर लगता है जैसे मैं किसी ऐसी जगह खड़ी हूँ जहाँ चारों तरफ अंधेरा है, न कोई आवाज, न आपकी बाहों का तकिया, नहीं नींद, सिर्फ इंतजार। ना लायक, झूठ बोलेगा मुझसे, हाँ बेईमानी करेगा मेरे साथ, एक चांटा लगाओगी ना ठीक हो जाएगा तू। ये सीखा अपने बड़ों से, आगे से ऐसा के ना टांगे तोड़ दूंगी मैं तेरी। क्या हुआ बहू? आप बीच में मत बोलिए प्लीज, आपकी वजह से पहले ही बिगड़ चुका है, अब झूठ बोलने लगा है, बेईमानी करने लगा है। आज आपके चश्मे के लिए अपने जूतों के पैसे खर्च करा है, कल आपकी किसी और जरूरत की वजह से घर का सामान बेच देगा। चल अंदर, कम ऑन ऐसे। हेलो भैया, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? वो कुत्तों को मैं इतने शौक से लेकर आया था ना, वो आज पता नहीं कहीं भाग गए। आप बताइए मैं क्या करूं, मॉम डैड को इन्फॉर्म करूं या? ओफ, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना रहा है, और जाएंगे कहाँ पर वो? घूम फिर कर घर ही तो वापस लौट कर आएंगे। देखो भाई, नो अंकल, आई एम रियली स्कैर्ड। नो अंकल, सचमुच प्यार करता है। पर अंकल, अंकल मैं कैसे यकीन करूं? नीली, विल यू बी माय वैलेंटाइन? कम ऑन, से यस। कम ऑन, कम ऑन नीली, से यस। कम ऑन, से यस। यस, कम ऑन। हे, क्या कहा था हमने? थैंक यू अंकल। अरे ये क्या क्या कुछ स्पेशल हो रहा है? आज बहुत स्पेशल डे अंकल। क्यों? आज वैलेंटाइन डे है ना। वो क्या होता है? अरे मैं बताता हूँ आपको मोटा भाई, वैलेंटाइन डे मतलब क्या, आज के दिन ये छोकरा लोग अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं झूठमूठ का आई लव यू। क्या बोल रहे हो हेमंत? तू क्यों भड़कती है? तू मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी है, तो मेरी बीवी है। बीवी? देन इट्स ओके। ये तो ऐसे ही, जान बची तो लंका ढाए। ओहो, जान बची तो लाखों पाए कट, घर का भेदी लंका ढाए। अंकल आज तो आपको भी आंटी को फोन करना है। हाँ बिल्कुल। अरे भाई मैं बोलूंगा क्या? हेलो। हेलो, हाँ पूजा। हाँ पूजा, पूजा 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 क्या किए जा रहे हैं, आगे भी कहिए ना। क्या बोले यार? पूछिए। विल यू बी माय, विल यू बी माय वैलेंटाइन? वैलेंटाइन? हाँ भी ना, 40 सालों से आप ही की तो वैलेंटाइन हूँ। देखिए ऐसा नहीं चलने वाला है, मैंने आपसे अंग्रेजी में पूछा है, आप अंग्रेजी में जवाब दीजिए। विल यू बी माय वैलेंटाइन? यस यस। अंकल,
अंकल यू हैव टू सिंग ओके हां अच्छा गा देते यस चली चली फिर चली 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 इश्क दी हवा चली 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 फिर चली 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 इश्क दी हवा चली 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 फिर चली 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 इश्क दी हवा चली 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 फिर चली 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 इश्क दी हवा चली अपने दिल पर को दीवाना अपने दिल पर को दीवाना ढूंढता दिल गली गली चली चली फिर चली 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 इश्क दी हवा चली 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 फिर चली 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 इश्क दी हवा चली This love, alright, I know it is, I know it right I wanna hold you, baby, in my arms Love is Jesus, love is Ram All I know is you and me are tied Love is black, baby, love is white Love is a party, love is a game Love is God, you know it's all the same C'est ooh, c'est là C'est ooh, c'est là C'est ooh, la 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 कोई शीरी कोई लैला कोई मजनू कोई छैला कोई शीरी कोई लैला कोई मजनू कोई छैला कोई आशिक कोई राजा सबके दिल में खलबली चली चली फिर चली 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 इश्क दी हवा चली 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 फिर चली 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 इश्क दी हवा चली ओ हो तेरी चाहत में दिल गुजरा याद में सब ढली ढली चली चली फिर चली 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 इश्क दी हवा चली 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 फिर चली 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 इश्क दी हवा चली अपने दिल पर को दीवाना अपने दिल पर को दीवाना ढूंढता दिल गली गली चली चली फिर चली 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 इश्क दी हवा चली 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 फिर चली 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 इश्क दी हवा चली हेलो अच्छा सुनो वेन्यू कौन सा है रिसोर्ट या रिट्रीट रिसोर्ट ओके पायल इतनी रात को कहाँ जा रही हो और वो भी इन कपड़ों में टोक दिया ना आप ना कभी अपने हरकतों से बाज नहीं आएंगी मूड ऑफ कर दिया आ मेरी बाहों में आजा देख मेरी बेगली
चली चली इश्क दी हवा चली। साला, एक तो ये आधे आधे कपड़े पहनकर हमारा खून गरम करती हो, हमें इनवाइट करती हो, और फिर ये सती सावित्री होने का नाटक करती हो। हाँ ए बुढ़िया, hey, who the hell do you think you are calling me like this, you scoundrel, how dare you touch my daughter? क्या समझा था ये लावारिस है, इसके आगे पीछे कोई नहीं, दो चार दिन गाड़ी में घुमा के तो इसे अपनी मुट्ठी में कर लेगा, इसके साथ जो चाहे कर लेगा। आइंदा फिर कभी हमारे घर के नीचे मंडराते हुए देखा या पायल की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तेरी आंखें नोच लूंगी, तुझे जेल में चक्की पिसवाऊंगी। ये मेरी बेटी है, गेट आउट फ्रॉम हियर, आउट, गेट लॉस्ट। अब तो हद ही हो गई है, 3 बज के और अब तक पायल नहीं आई, इतनी देर तो कभी नहीं होती। उसका मोबाइल ट्राई किया? मोबाइल ट्राई किया, बंद है। लो, मैं आ गई। पायल, मम्मी जी आप, और पायल तुम मम्मी इतनी... वो क्या है किरण, वैलेंटाइंस डे के बारे में सुना तो था, इस बार बंबई में हूं तो सोचा कि मैं भी देखा कि ये होता क्या है, इसलिए पायल से कहा चलो घूम आते हैं। पायल, कम से कम तुम्हें तो वक्त का ख्याल होना चाहिए। नहीं मैं... बेटा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो बेचारे जिद कर रही थी कि जल्दी जाना है, मैंने ही कहा कि थोड़ी देर और एंजॉय कर लें। सुना आपने, कमाल है मामा, आपको सिर्फ अपने एंजॉयमेंट का ख्याल है, और यहाँ पर हमारी नींद हराम हो गई थी। मैंने किरण से कहा भी कि जाकर सो जाए, लेकिन सोती कैसे बेचारी, माँ जो ठहरी। लेकिन तुम्हारी माँ को हमारी परेशानी से क्या, हाँ, उन्हें तो बस अपने शौक पूरे करने हैं। उस दिन तो आप मुझे बड़ी नसीहत दे रही थी कि मुझे अपने घर को कंट्रोल में रखना चाहिए, आज कहाँ है आपका अनुशासन, आपका डिसिप्लिन। अरे छोड़ो, ना तुम्हारी माँ को अपनी उम्र का ख्याल है, ना इस घर की इज्जत का। स्टॉप इट नाउ, प्लीज स्टॉप इट, इनफ इज इनफ। आई दादी, फिर बैठ गए सरगी खाने के लिए। मैं तो समझाते समझाते थक गई हूँ। हाँ जी। कि ये करवा चौथ का व्रत औरतों का व्रत है, और आप है कि हर साल। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप औरतें ये व्रत रखती क्यों हैं? अपने पति को 7 जन्मों तक पाने के लिए। अच्छा, और हम ये व्रत इसलिए रखते हैं कि हमें आप हर जन्म में मिलती रहे। नहीं सुन, मालूम है। ये लीजिए मोटा भाई, अदरक की चाय। अरे नहीं शांति बहन, आज मेरा व्रत है, चांद देखने के बाद ही मैं कुछ पीऊंगा खाऊंगा। अरे आज तो मेरा भी व्रत है, करवा चौथ का। हाँ मेरा भी। आपका? हाँ। आप भी मोटा भाई, भाभी के लिए? हेमंत, संजू भूख के मारे जान निकल रही है मेरी। ए, जान मत निकालो मेरी जान, चलो खाना खाते। कम राहुल। पर तुमने तो कहा था बाहर जाएंगे, मैंने कुछ नहीं बनाया। नाराज मत हो, बाहर चलते हैं ना। राहुल गेट रेडी, वी गोइंग आउट फॉर डिनर। पर दादू क्या खाएंगे? 9 बजे के बाद जब भी पापा जी आते हैं कैफे में खाकर ही आते हैं, सो गेट रेडी। ओके लेट्स गो, कम ऑन। मोटा भाई चांद निकल आया है, मैंने पूजा कर ली है, आप भी देख लीजिए, फिर खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं शांति बहन, वो पूजा घर पे फोन ट्राई कर रही होगी, पहले उससे बात हो जाए, खाना बाद में। हेलो 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 पूजा। पैरी पोना जी, हम दोनों का सुहाग हमेशा बना रहे। चांद देखा? हाँ देखा। आपने पानी पिया?
ऐसे क्या देख रहे हैं? अरे आप चांद देखिए, हम अपने चांद को देख रहे हैं। और जरा जल्दी कीजिए, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। बिना चांद देखे हम कैसे पानी पी सकते हैं? अब की बरस तो हमें हमारा चांद दिखाई नहीं। आप बातें करते रहेंगे क्या? हाँ, समझ लीजिए ना, मैं आपके सामने हूं। चलिए पानी पी लीजिए। ठीक है, होल्ड करना। पी लिया पानी। लो, मैंने भी पी लिया। चलिए अब कुछ खा लीजिए। ओके, ठहरो। कितना सारा खाना बना है, थाली भर के खाना बना हुआ है। क्या क्या बनाया है आपकी बहू ने? ये देखो भाई, इधर क्या है? ये है आलू, ये गोभी, ये मटर पनीर, ये भिंडी, और ये दही का रायता, मोतीचूर के लड्डू, गर्मा गर्म जलेबी, पूड़ी भी है। और ये मैं पूड़ी तोड़ के बस एक निवाला अपने मुंह में डालने वाला हूं। क्या बढ़िया, बढ़िया खाना बना है। आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। तुम नहीं सुन रखे, नहीं सुन रखे। देखिए एग्रीमेंट के हिसाब से। यस, कम इन। एक्सक्यूज मी सर। जी। आपकी मदर आई है, उन्हें यहाँ भेज दो। नहीं, उन्हें उन्हें चाय पिलाइए, मैं आता हूँ। हेलो किरण, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि घर के झगड़ों को यहाँ ऑफिस में मत घसीटो, घर के झगड़ों को ऑफिस में लेकर मत आओ। और भाई हुआ, ये मम्मा यहाँ पे क्या कर रही है? तंग आ गया हूँ मैं इस सबसे। मैं मम्मा से बात करता हूँ। पता है माँ बेटे में खूब खिचड़ी पक रही होगी। हाँ। जी भर के बुराई कर रही होंगी। किरण, हाँ? मैं वहां बुराई करने नहीं गई थी। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कीजिए। आखिर चाहती क्या है आप? क्यों मेरे घर की सुख शांति भंग करने की कोशिश कर रही हैं? यही बात मैं पूछने आया हूँ। सारा काम काज छोड़कर अगर आपके मन में कोई बात नहीं थी तो मेरे घर वापस आने का इंतजार नहीं कर सकती थी? ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? पूछ रहा हूं मैं आपसे, कुछ जवाब दीजिए। बोलते क्यों नहीं आप? मेरी ममता खींच कर ले गई थी मुझे वहां। ये बादाम का हलवा तुम्हें बचपन से ही पसंद है। तुम्हारे हर जन्मदिन पर इसी से मुंह मीठा कराती आई हूं। और आज तुम्हारा जन्मदिन है। सुबह उठकर हलवा बनाया पर तुम जल्दी ऑफिस निकल गए। दिल नहीं माना तो पीछे पीछे। मुझे क्या पता था मेरी ममता ही मेरा जुर्म बन जाएगी। हेलो भाभी, करण बोल रहा हूँ। हाँ करण बोलो। रोहित भैया हैं? हाँ एक मिनट, करण का फोन है। हाँ बोल करण, क्या बात है?
बात क्या होगी भैया, बस यही बात याद दिलाने के लिए फोन किया था कि 6 महीने पूरे हो चुके हैं, अब मॉम और डैड के स्वागत की बारी हमारी है। करण, तू मुझे क्या याद दिला रहा है? इसी बात को लेकर मेरे घर हर रोज महाभारत हो रही है। हेलो। हेलो पूजा। आप पेरिपोना जी, कैसे हैं आप? कितने दिनों बाद फोन किया, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, बीच में 2-3 दिन खराब रही लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। पता है क्यों बीमार हुए होंगे, कुछ ठंडा जरूर पिया होगा, बद परहेजी की होगी, दवाई नहीं ली होगी, कितनी बार कहा है। अरे बोलती चली जाओगी या हमें कुछ बोलने दोगी? सुनो, परसों क्या है? शादी की सालगिरह। हाँ हमारी शादी की सालगिरह, तुम मिलना नहीं चाहोगी? ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। देखो कल मैं यहां से निकल रहा हूं और तुम वहां से, 4-5 मिनट के फर्क से हम दोनों की ट्रेनें जो हैं वो विजयनगर स्टेशन क्रॉस करेंगे। जिसकी ट्रेन पहले पहुंचे वो प्लेटफॉर्म पर उतरकर दूसरे का इंतजार करें। मगर? हाँ अगर मगर कुछ नहीं, बस हम परसों मिल रहे हैं, बस हमारा इंतजार करना। ओके 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 ओके, बाय 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 बाय। दादू, आपको एक बात बोलूं? हाँ बोलो बेटे। आप यहां फिर कभी मत आना। ये क्या है? आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। यू आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ग्रैंड मॉम। थैंक यू बेटा। थैंक यू। अरे बस करो भैया, बस। अच्छा हेमंत भाई चले, आप ना होते तो हमारी तन्हाई का क्या होता। बहुत मिला। थैंक यू। अरे क्या मोटा भाई, आप भी उल्टा उल्टा बोलते हैं। आपको पता नहीं आपने हमको क्या दिया है। मोटा भाई मिल गया। मोटा भाई का मतलब जानते हैं? छत मिल गई। छत का मतलब वो ही समझता है जिसके सर पे छत ना हो। ये लीजिए। नहीं, मुझे मालूम है आप बड़ी नाक वाले हैं, हराम का नहीं लेते, लेकिन ये आपकी मेहनत का पैसा है। आपने हमारा अकाउंट देखा है ना? हाँ उसका ही है। अभी आप जाइए, 1 मिनट भी रुके तो मैं आपको फिर जाने नहीं दूंगा। सब लोग देख रहे हैं। हाँ देखने तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि बूढ़े हो गए लेकिन मोहब्बत जवां है। पूजा जी, ये तुम्हारे बगैर 6 महीने हमने 6 जन्मों की तरह काटे हैं। हम तो सांस लेना भूल गए थे। देखो
तुम्हें देखने के बाद अब ये दिल फिर से धड़क रहा है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। बातें बनाना ही नहीं, मोहब्बत करना भी। ये हमारी शादी की सालगिरह मुबारक। आपको भी, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए तोहफा भी नहीं है। है पूजा, तुम्हारे ही पास है। वो कसम वापस ले लो जिसने हमें और तुम्हें एक दूसरे से अलग रहने पर मजबूर किया, जिसमें बंधे बंधे हम 6 महीने से चटपटा रहे। आजाद कर दो हमें। लीजिए। थैंक यू बॉस। आओ। हाँ वो ना, वेटिंग रूम। चलो वहां चलते। वेटिंग रूम में क्या करेंगे? अरे भाई सामान रखेंगे, बाहर जाएंगे, घूमे फिरेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट? अरे भूल गए क्या? वो क्या लिखा है? विजयनगर। हाँ यही तो वो शहर है जहां हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, सुहागरात मनाई थी। चल। मगर हमारी ट्रेनें? अरे उसके बारे में बाद में सोचेंगे। हेलो। अरे करण कहाँ है यार तू? सुबह से ट्राई कर रहा हूं तुझे और तेरा है कि कुछ पता ही नहीं। अच्छा ये बता, मम्मी वहां पहुंची कि नहीं? कहाँ आई, 3-3 चक्कर मार के आ रहा हूं स्टेशन के, पता नहीं कहाँ रह गई। डैड तो आए ना तुम्हारे पास? अरे नहीं आए ना, इसीलिए तो परेशान हूं मैं। मैंने अजय भैया, संजय भैया दोनों के यहां फोन किया, दोनों वहां से निकल चुके हैं। पता नहीं कहां गए होंगे दोनों, ये दोनों भी ना। चल जाने देना यार, कम से कम मेरे घर से एक दिन के लिए तो मुसीबत टली। आज तो टाई बांधेंगे ना? बांधेंगे नहीं, बनवाएंगे। इसी पल के लिए तो हम शांति। चलो शांति, तू रो रही है? हाँ रो रही हूं, और अगर तुम पढ़ोगे तो तुम भी रोगे। ऐसा क्या लिखा है? लिखा नहीं है हेमंत, अपना दिल निकाल कर रख दिया है। सच बोलूं हेमंत, ये सब वही मर्द लिख सकता है जो अपनी बीवी के लिए भूखा रह सकता है, उसकी याद में बीमार पड़ सकता है, बस वही। जहां उम्मीद होती है वहां प्यार नहीं मिलता, जहां सोचा भी ना हो वहां इतना मिल जाता है कि संभाले नहीं संभलता। एक बात कहें,
किसी से उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। उम्मीदें टूटती हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। हाँ, तो अब स्टेशन की ओर चलें, अपना अपना सामान उठाएं और अपनी अपनी मंजिल की ओर चलें। हाँ, यही करेंगे। स्टेशन जाएंगे, सामान उठाएंगे, लेकिन अपनी अपनी मंजिलों की तरफ नहीं, सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ। हाँ बच्चों, मौत करे तो करे, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम एक हैं और एक साथ रहेंगे। लेकिन जाएंगे कहाँ? जहां जिंदगी ले जाए। फिलहाल तो वहां। आइसक्रीम खाएंगे? अरे भाई, महीनों बाद टाई बंधवाई है, मुंह तो मीठा कर लेने दो। चलो। मेरी चॉकलेट आइसक्रीम अच्छी है, आपकी? वेरी नाइस, नट्स चॉकलेट। आपका तो बस ऐसे ही प्लेन है। क्या देख रहे हो? वो सपना जो पूरा नहीं हो सका। जानती हो पूजा, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, मेरा एक सपना था कि हमारी भी एक गाड़ी होगी। मैं ऑफिस से वापस आऊंगा, नीचे हॉर्न दबाऊंगा, तुम दौड़ी दौड़ी ऊपर से आओगी, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें बगल में बैठाऊंगा और हम लोग लंबी ड्राइव के लिए जाएंगे। फिर कहीं गाड़ी रोक करके हम लोग चाट खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, हैं? बच्चों के सपने पूरे करते करते अपने सपने अधूरे रह गए। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कैसी लगी ये गाड़ी? सर, हमें गाड़ी खरीदनी है, हम तो बस ऐसे ही। सर, मैं आपको इसका कैटलॉग और फीचर्स बताता हूँ, आइए ना प्लीज। भाई साहब देखिए, हम कह रहे हैं ना कि हमें गाड़ी खरीदनी नहीं है। क्यों ना एक टेस्ट ड्राइव हो जाए। हाँ? टेस्ट ड्राइव प्लीज, चलाकर तो देखिए सर। देख लेते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। आइए मैम। वही जरा पकड़ना। कहिए सर, कैसी लगी ये गाड़ी? भाई साहब, आपकी ये गाड़ी जो है बहुत अच्छी, वाकई बहुत अच्छी। तो अंदर चलते और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। अरे भाई साहब, आपसे हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें गाड़ी खरीदनी नहीं है, नहीं खरीद सकते हम ये गाड़ी। अरे सर, आज के जमाने में कार कौन सी बड़ी चीज है? आपने सोचा और कार की चाबी आपकी जेब में। एक काम करते हैं, लोन के बारे में आपको समझाता हूँ मैं। अरे आप तो हमारे पीछे पड़ गए हैं भाई साहब। हमने आपसे कहा कि हमें गाड़ी नहीं खरीदनी। आई कांट अफोर्ड इट। इसमें हमारी खरीदने की हैसियत नहीं है। हमारी हैसियत नहीं है? हैसियत नहीं तो इतनी शानदार गाड़ी में बैठने की जरूरत कैसे की? चलिए यहां से। अरे गेट लॉस्ट। अरे अरे ये क्या? अरे क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप भाई साहब? बाबूजी। आलोक। अरे बेटे भाई, लाओ बाबूजी। तुम कब आए? आलोक। हैं? एक सेकंड बाबूजी। आलोक देखो मेरी बात सुनो बेटे। सॉरी बॉस। आलोक तुझे पता है तूने किसको मारा? आलोक सॉरी बॉस, मेरे बाबूजी को। अरे अरे जाने तो बेटा। आलोक आलोक कहाँ चले गए थे आप लोग? जब से मैं इंडिया लौटा हूं कितने फोन ट्राई किए लेकिन नो रिप्लाई। रहा नहीं गया तो मैं आपके घर चला गया, लेकिन घर बंद था, चाचा जी के घर पे भी ताला लगा था। मैं तो घबरा ही गया। रोज सुबह शाम एक फोन जरूर करता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि मेरी माँ जी और मेरे बाबूजी को मुझसे मिलवा दे। उसने मेरी बात सुन ली, तो आपको मेरे साथ घर चलना होगा, वहां पे कोई आपका इंतजार कर रहा है। चल बाकी बातें वहां पे करेंगे। ओके चलिए ना। चल, चल। अर्पिता। हाँ अर्पिता। अरे बाबा आ रही हूँ, बोलो क्या बात है? जिस भगवान की तुम रोज पूजा करती हो मैं उन्हें साथ लाया हूँ। माँ जी, बाबूजी, प्रणाम। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। कितनी देर लगा दी मुझे अपना आशीर्वाद देने में। यह सब कुछ था फिर भी अधूरा अधूरा लगता था। आज तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, मुझे पूरा घर दे दिया। क्या मोदी खाई? ये लो बेटा, मुंह दिखाइए, रख लो। ले
भगवान का प्रसाद है। नहीं शांति, ये लोग ये पूछने के लिए नहीं आए कि इनके माँ बाप किधर हैं। ये लोग ये जानने के लिए आए हैं कि वो जिंदा हैं कि मर गए हैं। अगर वो मर गए हैं तो इनका क्रियाकर्म कौन करेगा, और बदकिस्मती से अगर बच गए हैं तो उनका इलाज कौन कराएगा। हेमंत भाई प्लीज प्लीज मुझे मेहरबानी करके भाई मत बनाओ, मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश मत करना। जिसके साथ तुम्हारा खून का रिश्ता था उसको तो खून के आंसू रुलाया तुमने, इधर इधर बैठ के छिप छिप के रोते थे। देखिए आप हमारी अब मेहरबानी करके चले जाओ। अगर आप मोटा भाई के बच्चे नहीं होते तो मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देता। इस उम्र में अपने मां बाप को जुदा करने का जो तुमने पाप किया है, भगवान तुम्हें भले ही माफ कर दे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। याद रखना, तुमने अपने मां बाप को रुलाया है, एक दिन तुम्हारी औलाद तुम्हें रुलाएगी। बहुत सताया शांति इन्होंने मोटा भाई को, बहुत। अगर औलाद ऐसी होती है शांति तो अच्छा है, हमें औलाद नहीं है, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। शांति वो सब छोड़, हमको मोटा भाई को ढूंढने के वास्ते अभी निकलना पड़ेगा, चलो। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन जाएंगे कहाँ? एक मिनट, शायद वो अपने घर गए हों। घर? हाँ उनका पुराना घर। अरे उसका एड्रेस तो मैंने मोटा भाई के फाइल में देखा था। हाँ तो कहाँ है वो फाइल? फाइल तो कपिल और नीली ले गए पढ़ने के लिए। हाँ तो फोन करना उनको, मंगाओ फाइल। अच्छा करती हूँ। हाँ, वो सिर्फ एक फाइल नहीं रही हेमंत भाई, ये कौन है? एक खूबसूरत किताब बनने के प्रोसेस में है। अंकल मेरे पापा। नमस्ते। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, प्रभु शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। बाबूजी। बाबूजी। माजी। माजी प्रणाम। आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? नहीं अर्पिता, ये बाबूजी की बहुत पुरानी आदत है, हर सुबह नहा धो के रेडियो के तैयार हो जाते हैं, है ना बाबूजी? हाँ बेटा, पर आज बात आदत की नहीं जरूरत की है, हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है बेटे। ट्रेन? कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? घर ही जा रहे हैं बेटे। बाबूजी ये भी तो आप ही का घर है। जी बाबूजी, मैंने हमेशा एक सपना देखा कि हमारा एक छोटा सा घर हो, मेरे माँ बाप मेरे साथ रहे, मैं वो सपना जीना चाहता हूं जो कि आज तक मैं नहीं जी पाया। ऐसा जरूर होगा बेटे, पर अभी हमें जाना होगा, जिंदगी के खोए सिरे तलाशने हैं। और बाबूजी कुछ दिन मां कहीं ना बाबूजी से, प्लीज बाबूजी कुछ दिन। बेटे मैं प्रॉमिस करता हूं मैं जरूर आऊंगा, आखिर हमें भी तो एक ऐसे बेटे के साथ रहने के अरमान है जिसने अपने पिता को ही भगवान मान लिया। माना नहीं भगवान, आप मेरे भगवान हो जो मेरी जिंदगी में मेरे पिता बनकर आए, जिसने एक ऐसे बच्चे का हाथ थामा जिसकी इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं थी, ना उसका कोई नाम था
नहीं कोई पहचान, एक पत्थर था, सिर्फ एक पत्थर। न जाने किन किन बादल रौंद कर अभी तक धूल में मिल गया होता। आपने उसके सर पर हाथ रखा। ये जो मेरा जीवन है बाबूजी, ये आप ही की देन है। मैं तुम्हें छोड़कर कहां जा रहा हूं बेटे, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। ठीक है बाबूजी, मैं आपकी कोई बात नहीं डालूंगा, लेकिन फिर आपको मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी। मानेंगे ना आप? हाँ बोलो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आपकी बहू ने और मैंने आपके लिए एक छोटा सा तोहफा, आप इनकार नहीं करेंगे बाबूजी? अरे नहीं, आपने कहा आप इनकार नहीं करेंगे। आइए ना, आइए। आइए माँ। आइए माँ जी। कैसा लगा तुम बेटे? ये क्या कर दिया तुमने? कुछ नहीं बाबूजी। जीते रहो बेटे। शुक्रिया बाबूजी। जीते रहो। राजू भैया, अरे ये लोग यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे राजू भैया, दादा भैया। अरे कितना महीना से तुहार राह देखत रहे। और हम हूँ। हाँ ये लोग पहचान गए हमका। अरे हम जानत रहे राजा दशरथ अपना वनवास काट के यहाँ ही आए हैं। जाओ अंदर जाके अपना घर में देख लो, तुहार घर तुहार यादें सब सहेज के रखे हैं हम। अच्छा अच्छा, ये देखो कौन आवा है। अरे भौजाई कैसन हो? भगवान की कृपा है भाई साहब। चाचा जी पहचाना? आलोक। आलोक भाई लागू। अरे आलोक, अरे मगर तू तो विलायत में रह रहा बचवा। हाँ अभी यहाँ है, अब बहुत बड़ा आदमी हो गए। अरे बेटा पहुंचो। चाचा जी प्रणाम। अर्पिता अर्पिता जीती रहो बौरानी। भौजी तुम तनिक सुस्ताए लो, हम चाय बनाई के लावत जी। आओ बेटवा, तुमका तुहार ससुराल दिखावत है। आओ आओ आलोक। पता है सबसे अच्छी बात क्या है चाचा जी? ना आप बदले, ना ये घर, ना इस घर का माहौल। तू भी कहां बदला है बचवा, बस तेरी ऊंचाई तनिक बढ़ गई। तनिक। आखिर हम घर आ ही गए। आ तो गए हैं, लेकिन ये घर चलेगा कैसे? क्यों आपको हम पर भरोसा है? खुद से ज्यादा हमसे प्यार है। तुमसे ज्यादा? बस फिर चिंता की क्या बात है, आप हमारे साथ हैं तो हम जग जीत सकते हैं। आओ गृह प्रवेश करें। ए मोटा भाई। हाँ? हेमंत भाई। नमस्ते शांति भाई। अरे पूजा, हेमंत भाई यही थे हमारे तन्हाई के साथी। नमस्ते। आज हमको पता चला कि मोटा भाई आपके बगैर इतने दुखी क्यों थे। अरे हमने तो इनको देखकर ही पहचान लिया कि यही भाभी जी हैं। बागबान में मोटा भाई ने इनकी खूबसूरती का इतनी बार जिक्र किया है कि ये बागबान की बात आपको? अच्छा अच्छा, तो हम आप ही के यहाँ छोड़ आए थे। तो अच्छा हुआ ना भूल आए, लंदन के न्यू वेव पब्लिकेशन हाउस ने उसे छापने का नक्की किया। मोटा भाई क्या बात कर रहे हैं? अरे ये देखो एडवांस का चेक, 10 लाख रुपए का चेक है। 10 लाख? 10 लाख? हाँ 10 लाख पूजा, 10 लाख। 10 लाख? 10 लाख। अरे जे 10 लाख का सोर कैसा है भैया? अरे राम उतार भैया, हमारी किताब छप रही है। क्या कह रहे हो? ये देखो ये न्यूज पढ़ी आप लोगों ने? डैड की बुक इंटरनेशनल मार्केट में बेस्ट सेलर एक्लेम कर ली गई है। डैड लाखों में खेल रहा है, लाखों में। सो व्हाट करण, हमें तो फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली, और वो सब हमारे बड़े भाइयों की वजह से। क्यों भाई, हम लोगों ने उनके साथ कौन सी बदतमीजी की है?
कुछ तो किया होगा आप लोगों ने, तभी तो हमारे यहाँ आने के बजाय घर चले गए वो। अरे बाबा, ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। शी इज राइट, ये वक्त तो रूठों को मनाने का है। यस, हमें पापा के पास जाना चाहिए और उन्हें मनाना चाहिए। कोई फायदा नहीं, वो लोग नहीं मानने वाले। अरे क्यों नहीं मानेंगे, आखिर हम उनके बच्चे हैं, और कोई माँ बाप अपने बच्चों से बहुत देर तक नाराज नहीं रह सकते। ज्यादा हुआ तो माफी मांग लेंगे और क्या। हाँ हाँ, हम उनके पांव पड़ जाएंगे, उनके सामने नाक रगड़ेंगे, फिर देखना वो कैसे पिघलते हैं। बिल्कुल ठीक, अब हमें जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। लेट्स लीव इमीडिएटली। कम ऑन, लेट्स गो। हां चल। अरे पायल बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, दादा दादी से मिलने जाना। राहुल, यू टू, कम ऑन फास्ट, गेट रेडी, लेट्स गो। आप लोग गंदे हो, आप लोग उनसे माफी मांगने के लिए नहीं बल्कि पैसे मांगने के लिए जा रहे हो। राहुल, हम लोग पहले ही उन्हें बहुत रोता हुआ देख चुके हैं, अब और नहीं देखना चाहते। हम लोग नहीं जाएंगे, चलो राहुल। देख रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा, अपने खिलाए बाग का जादू। अरे कहाँ वर्मा साहब, ये सब तो इन बच्चों की और आपकी बदौलत हुआ है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना बढ़िया रिस्पांस मिलेगा मुझे। रिस्पांस? अजी फर्स्ट एडिशन हाथों हाथ बिक चुका है, दूसरा प्रेस में है। ये लीजिए अपनी अमानत। ये, अरे लेते जाइए साहब, ये बागबान अभी न जाने और कितने गुल खिलाएगा। अरे हाँ, नेक्स्ट वीक आपके सम्मान में हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, आप तो आइएगा ही, हम परिवार को भी लेके आइएगा। योर इनविटेशन सर। राज मल्होत्रा जी, उनके बेटे। ओके प्लीज कम सर, प्लीज कम। हाँ, फर्स्ट टेबल ऑन द राइट, आइए। वाह भैया, देखिए डैड, लेडीज एंड जेंटलमैन, बागबान किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं, इसके ऑथर का बुकर अवार्ड से सम्मानित किया जाना अपने आप में बागबान की सफलता की कहानी कहता है। इससे पहले कि मैं मिस्टर राज मल्होत्रा से बागबान पर रोशनी डालने की रिक्वेस्ट करूं, मैं चाहूंगा कि उनका बेटा अपने पिता के बारे में कुछ कहे, और इसीलिए मैं स्टेज पर आने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। कौन भैया, ऑल द बेस्ट, मिस्टर आलोक राज से। आलोक जी प्लीज। गुड इवनिंग। आपने अक्सर सुना होगा कि भगवान को किसने देखा है, यह तो एक फेथ, श्रद्धा और अकीदे की बात है, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि मैंने भगवान को देखा है, जीते जागते, हंसते बोलते, हर खुशी हर गम में, हर इम्तिहान हर हाल में देखा है, और वो कोई और नहीं, मेरे बाबूजी हैं। मैं एक अनाथ था, मैंने कभी अपने मां बाप को नहीं देखा, और ना ही कभी मुझे उनका प्यार मिला, लेकिन मैं यकीन के साथ ही कह सकता हूं कि अगर वो भी यहां पे होते तो वो भी मुझे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत नहीं दे सकते थे जो कि मुझे अपने बाबूजी से मिली है। मुझे मेरे बाबूजी से बहुत कुछ मिला है, तो मैं उनसे कुछ नहीं मांग सकता, लेकिन मैं भगवान से एक चीज जरूर मांग सकता हूं कि वो अपनी दुनिया में मेरे बाबूजी जैसे लोग हमेशा बनाते रहे। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। बाबूजी आइए ना।
देवी और सजनों, आपने मेरे बारे में अभी जो कुछ भी सुना उस पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। आलोक मेरी तारीफ इसलिए करता है क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और वो प्यार इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं बहुत एक अच्छा इंसान हूं या मुझमें कई गुण हैं। वो प्यार इसलिए करता है क्योंकि वो खुद एक अच्छा इंसान है। देखिए, मैं कोई लेखक नहीं हूं। लेखक तो सोच के सागर में डूब कर ना जाने कैसे कैसे मोती निकाल लेते हैं। मैंने तो बस वही लिखा है जो जिंदगी ने मुझे दिखाया। बागबान मेरे बारे में या किसी एक इंसान के बारे में नहीं है, ये किताब है बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फैले हुए सन्नाटे के बारे में। ये किताब है एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के दरमियान टूटे हुए हर पुल के बारे में। ये किताब है झुके हुए उन कंधों के बारे में जिन पर बैठकर कभी कुछ बच्चों ने जिंदगी के मेले देखे थे। ये किताब है कांपते हुए उन खाली हाथों के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों के नन्हे हाथों को पकड़कर उन्हें चलना सिखाया था। ये किताब है लरसते हुए उन होठों के बारे में जिन पर कभी लोरियां थी मगर अब परसों से खामोश। जमाना बदल गया है, जिंदगी बदल गई है। हमारी उम्र के लोग याद करें कैसे बेकार के रिश्तों और बंधनों में उलझे रहते थे हम लोग। बाप के चेहरे में ईश्वर देखते थे हम, मां के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता था। लेकिन अब लोग समझदार हो गए। आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है जिस पर पांव रख करके वो आगे निकल जाते हैं, और जब उस सीढ़ी का कोई इस्तेमाल नहीं रहता है तो उसे घर के टूटे कुर्सी मेज, टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े कल के अखबार की तरह रत्ती समझकर किसी कबाड़खाने में फेंक देते हैं। लेकिन जिंदगी सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती, जिंदगी पेड़ की तरह उगती है। मां बाप किसी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते, मां बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। इसलिए आज बड़ी विनम्रता और आदर से मैं पूछता हूं, कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं? एक बाप अगर अपने बेटे की जिंदगी का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है तो वही बेटा अपने बाप के आखिरी कदम उठाने में
उसे सारा क्यों नहीं दे सकता? जिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशियां लुटाने वाले मां बाप को किस जुर्म में आंसुओं और तन्हाई की सजा सुना दी जाती है? अगर वो हमें प्यार दे नहीं सकते तो उन्हें हमसे हमारा प्यार छीनने का अधिकार किसने दिया? क्या समझते हैं ये बच्चे कि जिन मां बाप को प्यार के बंधन में बांधकर भगवान ने एक किया है, उन्हें वो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग तड़पने के लिए छोड़ सकते हैं? क्या इसी दिन के लिए इंसान औलाद मांगता है? इसी दिन के लिए औलाद? शायद ये भूल रही है कि जो हमारा आज है वो कल उनका होगा। अगर आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े होंगे। जो सवाल आज हम कर रहे हैं वही सवाल कल वो पूछेंगे। और रही मेरी बात, तो हमारी चिंता तो आप कीजिएगा मत, क्योंकि अगर हम उन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं जो न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कुछ समझ सकते हैं, तो हम अपने आप को भी पाल सकते हैं। हमें किसी से कोई उम्मीद की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हम इसलिए खुशकिस्मत हैं क्योंकि हमें जीवन ने एक ऐसा हम सफर दिया जिसके साथ चलते चलते रास्ते आसान होते गए, जिसके साथ चलते चलते उलझने सुलझती गई, और वो हम सफर है मेरी पत्नी। लोग अक्सर मोहब्बत करते हैं लेकिन ये बात जितनी बार कहनी चाहिए कहते नहीं। मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहूंगा। पूजा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं, बेहद। तुम हो तो हम हैं, हम हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बस यही कहना था मुझे। सॉरी, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए डैड, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। राज साहब, बागवान लिखने की इंस्ट्रक्शन आपको कहां से मिली? राज साहब, बागवान अगर आपके परिवार की कहानी होती तो आप क्या करते? जो बच्चे अपने माँ बाप को प्यार नहीं दे सकते, सहारा नहीं दे सकते, मान सम्मान नहीं दे सकते, उन्हें मैं कभी माफ नहीं करता। उन्हें मैं सजा देता, उनसे नाता तोड़ देता। मामा, 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 मैंने तो सुना था कि मां हर हालत में अपने बच्चों को माफ कर देती है, आप हमें माफ नहीं करेगी प्लीज? हाँ, एक मां के नाते शायद अपने खून को माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक पत्नी होने के नाते अपने पति के उन आंसुओं को माफ नहीं कर सकती जिनकी वजह
तुम सब हो। कल का पता नहीं, आज तुम सबको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, माफी भी नहीं। मॉम, ऑटोग्राफ प्लीज। अरे अरे राहुल, पायल, कम या ये पायल बेटा। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान, बागवान रब है 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 entertainment. Log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.